नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कोई नहीं, आज हम एलजेब्रा ही खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एक ही बार में सारी चीजें पढ़ा देता हूँ, तो आज दी एंड हो जाएगा एलजेब्रा का। नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने पोस्टपोन कर दी। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही है कि ऑफलाइन क्लास पोस्टपोन नहीं की जा सकती किसी भी स्थिति में, नहीं तो बच्चा डंडा लेके दौड़ता है। और ऑनलाइन क्लास किसी भी वक्त, किसी भी समय, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले पोस्टपोन हो सकती है। ऑफलाइन क्लास का टाइमिंग फिक्स है, अगर 4:30 से 6:30 चलेगी तो एग्जैक्ट चलेगी, कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। लेकिन ऑफलाइन क्लास अपने हिसाब से चलते। चल भाई कल संडे आ जियो, फ्री हो? चल भाई सैटरडे आ जियो, फ्री हो? ठीक, ये अंतर है बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन में। लगा दो, मुझे तो अभी भी डाउट है कि मिक्सचर ही खराब है, कुछ और हुआ है, भगवान करे यही खराब हो। सुबह से इतनी अजीब सी आवाज आ रही है मेरे को, तो आपको तो फिर भी ठीक सुनाई, मेरे को तो महिलाओं जैसी आ रही है। हाँ बिल्कुल अजीब सी। सवाल किया, कोई डाउट हो किसी का, जब तक डाउट वाउट पूछ लो 2-4 मिनट। आपका व्हाट्सएप चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल रहा। अच्छा, कौन सा सवाल था? सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में मैंने 2 जोड़ दिया, और वाई स्क्वायर प्लस 1/y² में से मैंने 2 घटा दिया, बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 1/x² नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पे ये थोड़ी दिया कि x और y रियल है, यहां पे ये नहीं दिया कि x और y रियल है, बात समझ रहे हैं? कौन सा 5? आवाज अभी तो सही नहीं लग रही मुझे। नहीं, हेलो, हाय हाय, हेलो, हाय हेलो, हाय, बहुत भारी आवाज आ रही है, इससे ज्यादा मधुर तो मेरी फोन पे आती है। हेलो हेलो, हाय हेलो, क्या हो रहा है, कैसे हो? हेलो हाय सीएम साहब, ये तो तुम पागल हो गए बिल्कुल। तुमसे नोट्स मांगे थे मैंने, ट्रगो के मांगे थे। अरे तुमने जो कॉपी दी थी, तुम कॉपी में वही लिखते हो जो तुम्हें पसंद आता है, पूरा क्यों नहीं लिखते तुम कॉपी में? बड़ी अजीब पागल हो, फिर देते क्यों किसी को नोट्स अगर तुम्हारी कंप्लीट नहीं है तो? मैं देख रहा हूँ, मैंने तो ये सब सवालों के अलावा दुगने चौगुने सवाल कराए हैं। मतलब तुम ये है कि जैसे मैं जल्दी जल्दी 4 कराया, तुम उतनी देर में 1 लिख पाई तो 1 ही लिखती हो। हेलो हेलो, नहीं नहीं कुछ खास आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, बहुत गंदी आवाज आ रही है, इससे ज्यादा साफ तो बाल्टी में आती है, वो कीर्तन वाली बाल्टी नहीं होती बड़ी बड़ी। साढ़े 37। मैं, हाँ ये मैम, मैं ये कह रहा था आप समझ गई ना कि रियल नहीं है तो हो सकता है माइनस में। 37 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिल्कुल सही बात है, आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, बाकी तो सही है सब। ये सवाल पता नहीं अब क्या है, वो प्लस ऊपर ही होगा, पी क्यू और पी प्लस क्यू बराबर 1 है, इतना करेक्शन कर लो। और बिना करेक्शन वाला बताओ कि कोई सवाल कंसेप्चुअली फंस रहे नहीं हो पा रहे वो बताओ। 35 पहला, पहले में 727 कर लो, 729 की जगह। अभी जो पीडीएफ में अभी जो व्हाट्सएप के लिए पूछ रहा था आपको, मैंने कल नंबर भी दिया था आपको व्हाट्सएप पे, उसमें आंसर्स भी थे और करेक्शन भी।
आपको मिली नहीं, मुझे किया होगा ना आपने, अरे मैनेजमेंट को करना था, अरे आपने किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास है मेरे फोन में, मैं आपको ब्लूटूथ से शेयर कर देता। सवाल कौन सा है, देखो जल्दी जल्दी बताओ, मैं आपके बैच में सबसे ज्यादा खड़ा रहता हूँ, मेरे प्री के 3 बैच पढ़ाने में जितनी मेहनत नहीं लगती जितनी इस बैच में लगती है। 35, 34th, खाली फोर्थ, फोर्थ का आंसर 142 है। 36 में तो दादा कुछ नहीं है, 36 में आपने लिख दिया x plus y का square minus z square, तो आपने एक बार जोड़ दिया। मैं ये बोलूं मिश्रा जी खुद नहीं आ सकते थे, x plus y minus z, ये आ गया। मिक्सचर में प्रॉब्लम है या कुछ और? अभी तो ठीक लग रही मुझे, बस बस थोड़ी पैनी करवा दो, ठीक है। तो अब आपको पता है इसमें कि x plus y plus z 0 आ रहा है, तो उत्तर 0 आ गया। किसने पूछा था ये 36 आ गया उसको समझ? अरे जिस गाय ने पूछा था, कोई भी नहीं है। 35 में आप क्या करना चाह रहे हैं? कई सारे तरीके हैं 35 में। x minus 2 plus 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 2/3 जीरो है। आपको ये पता है कि इसका सम जीरो है, तो इसकी क्यूब क्या होगी? इसकी क्यूब x माइनस 2 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब 2 माइनस 2 की घात 2 बराबर 3abc। abc कितना होगा? x माइनस 2, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2, सॉरी एक माइनस में ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, ऐसे आप हवा में समझ रहे हो हर चीज। अरे मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब बराबर 3abc कर दे। कौन सा? 38 में तो कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करो और कंपैरिजन कर दो। 32 पूछ क्या ना, क्या कह रहे हैं वो? 25 में क्या इशू आ रहा है भाई? 25 भी नहीं हुआ क्या किसी से? आप तो हड़का रहे हो, पूछ रहे हो भाई साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, चली जाएगी। आवाज का क्या है सरकार? देखिए मैं ऐसे सवालों में बता देता हूँ आपको, अभी कितने बज रहे हैं? 4:20, यानी 10 मिनट में मैं यही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो भी बताने जा रहा हूँ। जी पूछ रहे हैं भाई साहब, जैसे हमने सिमेट्री पढ़ ली थी, याद है आपको? लेकिन कई बार सिमेट्री में भी क्या होता है कि कई सारे वेरिएबल आ जाते हैं। जैसे एक ये सवाल आया कि एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड बराबर वाई स्क्वायर बटे जेड प्लस एक्स बराबर जेड स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई बराबर 1, ऐसे दे दिया, या कुछ और भी दे देता है, या इन्हीं बातों को कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, ये दे दिया। और आपसे दोनों में से कोई बात पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है 1/1 + x, 1/1 + y, 1/1 + z, और यहाँ पे x/1 + x, y/1 + y, z/1 + z, ठीक है, ये आपको दे दिया। तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपने देखा कि सवाल 3 वेरिएबल पर है और 3 इक्वेशन है, तब एक तो मानना मुश्किल हो जाता है कि क्या माने। तो हम कैसे निकालते हैं कि इफ, एक थोड़ा सा छोटा सा नोट लिखेंगे कि इफ वन इक्वेशन कंटेन ऑल 3 वेरिएबल आउट ऑफ 3, देन पुट देम इक्वल। अगर एक ही इक्वेशन में, सवाल 3 वेरिएबल पर है लेकिन एक ही इक्वेशन में तीनों के तीनों वेरिएबल हैं, जैसे x, y, z तीनों में हैं, कौन छेड़ रहा है बता देना बंदे को, ठीक है, पुट देम इक्वल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है कि इफ वन इक्वेशन कंटेन्स
टू वेरिएबल आउट ऑफ थ्री, अगर एक ही इक्वेशन में तीन में से केवल दो हैं, देन पुट देम इक्वल। ये अभी मैं दो एग्जांपल से समझा दूंगा, देन पुट देम इक्वल। बस इतनी सी बात की फोटो खींचो, फिर इस सवाल पे आते हैं जल्दी से, वक्त हमारे पास बहुत कम है, ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम दे चुके हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात लिख ली आपने, ठीक है समझ गया आप। अब जैसे यही सवाल है, मैं ये मिटा रहा हूँ, फोटो खींच लिया, ये लिख लिया, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या है, एक ही इक्वेशन में सारे के सारे वेरिएबल हैं, है या नहीं? तो हमने सबको बराबर रख दिया, x बराबर y बराबर z किसी भी एक इक्वेशन में, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स, यानी x आ गया दो। दो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाले तरीके से लिखा हो चाहे नीचे वाले से, यानी कि वाई जेड भी दो होगा। तो यहाँ पे रखेंगे एक बटा तीन, एक बटा तीन एक उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे दो बटा तीन, दो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब एक भैया ने क्या सवाल पूछा था उस पर आते हैं, ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज करते हैं कि एक ही टाइप के बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते, अगर कोई टाइप कठिन नहीं है तो। जैसे मैंने अब ये वाली बात बताई, मैं इस पर एक सवाल और बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे रहेगा। ठीक है, तुमने पूछा ना 25 सवाल, नहीं 48 पूछा तुमने, 48, शाबाश। कैसा चल रही है और तुम्हारी तैयारी? बढ़िया, अरे नहीं अच्छी चलनी चाहिए, पता है तैयारी गणित से रिलेटेड हो कोई भी हो, तैयारी तो तैयारी है, अपना पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहा है। जैसे इन्होंने जो सवाल पूछा है, बी वाई प्लस सी जेड बराबर वाई स्क्वायर बटे सी जेड प्लस ए एक्स बराबर जेड स्क्वायर बटे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर चार। हेलो, हाँ जी, अब आपसे पूछ रहे हैं टू ए अपॉन फोर ए प्लस एक्स। भाई इतनी तेज हो गई कि लिपसिंग से ये आवाज जा रही है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बहुत गलत हो रहे, तो टू सी अपॉन फोर सी प्लस जेड। तो अब यहां से आप एक इक्वेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर फोर बी बाई प्लस फोर सी जेड। ठीक है, तो अभी मैंने कहा था, अब ये सवाल में कितने वेरिएबल हैं? किसी बच्चे ने सवाल दिए करने को, ये डाउट दिए एक बच्चे ने इतने लिख के। तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्री की? तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम तो किसी की नहीं कर रहे, तुम क्यों करोगे, तुम ऑलरेडी एमटीएस हो। तो आप देखें कि ये सवाल एबीसी एक्स वाई जेड पर है, किस किस पर है, ए बी सी और एक्स वाई जेड, और एक इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड है वो तो तीनों के तीनों आ रहे हैं, और जो ए बी सी है वो दो दो आ रहे हैं, किसी में ए बी किसी में बी सी, तो जो एक एक दो 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 बार आ रहे हैं उनको क्या मानना है, वन, इन तीनों को वन कर दिया। अगर इनको वन कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, फोर बाई प्लस फोर जेड। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, फोर बाई प्लस फोर जेड। अब इनको क्या करना है, बराबर, अगर इनको बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एट एक्स, एक्स कितना आ गया, आठ। तो जैसे कई बार ना हम वैल्यू सोच नहीं पाते कि क्या रखनी है कि क्या नहीं, तो ये तरीका है उस चीज को सोचने का तरीका। अब आपको पता है कि ए बी सी को हमने एक माना है तो ऊपर कितना आ जाएगा, दो, नीचे एक माना है तो ये चार, और एक्स कितना आ रहा है, आठ और चार बारह, और डायरेक्ट तीन से गुणा कर दूं क्योंकि तीनों इक्वल है, तो ये एक बटा दो उत्तर आ रहा है, यही आ रहा है। अब कर लेंगे भाई, ऐसा सवाल आएगा कभी तो जीवन में, पक्का देख लो। तो ये भी एक तरीके की क्या है, सिमेट्री थी। हाँ जी, हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? नहीं, कुछ खास तो नहीं लग रही, मतलब वो बात नहीं आ रही जो आती थी हमेशा। अब मजे नहीं ले रहा, मैं सच बता रहा हूँ। छाछठ क्या होता है, ये 66 सुना था, छाछठ। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, वन आ रहा है।
ये बताएंगे कोने में भैया, हाँ जाड़ों की शर्ट पहन के आप ही से बात कर रहा हूँ, हैं नहीं सही नहीं है, पेनी करवा के देखो एक बार, अगर पेनी हो जाती है तो। हेलो, बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है फंबल। अब मैं इनको कैसे फंबल समझाऊँ, ये हमने जब मूवी की शूटिंग की तब पता चला था फंबल क्या होता है। फंबल मतलब कि बोलने के बाद भी कुछ रह जाना, हल्की हल्की आवाज आना, उसे कहते हैं फंबल हो रहा है। कई लोग बोलते बोलते रह जाते हैं, बोलते ही नहीं, इसका उनको कहते हैं कि बात को फंबल कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं आवाज में उतनी, बातों में तो है ही नहीं, दिल में है ही नहीं, आवाज में भी नहीं है। कितना उत्तर आ रहे रोहतक वाले भाई साहब? लिया वर्मा आप बताइए क्या है, रानी ओके। ये तो कह रहे हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, आप इसकी इतनी टेंशन मत लो। मौसम अच्छा हो रहा है बाहर ना, ऐसे मौसम में नहीं मन करता पढ़ाई करो, ये लगता है अपना घूमते रहो बस, है सही कह रहे, मौसम का क्या करोगे। नहीं कितना, 4 बिजनौर, अरे अभी तो बताया, पागल हो क्या, अकल नहीं क्या, ये बताया था कि एक ही इक्वेशन में अगर तीनों हैं तो क्या करेंगे, उनको बराबर कर देंगे, शर्म वगैरह नहीं है बिल्कुल। तो x कितना आ गया, 2, y भी यही आ जाएगा, z भी यही आ जाएगा, तो कितना आ गया ये, 3 × 2 = 4/3, 3 × 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 4, ये उत्तर था। तो ये टाइप भी कवर हो गया। चलो कोई नहीं, आप हेडिंग लगाना जरा, भी और बताऊंगा सवाल, 4:30 बज गए, मैंने कहा था 10 मिनट में कंसेप्ट खत्म करूंगा, एक एक चीज टाइम लगा के करनी पड़ रही है, बड़ी आफत है। अब कोशिश करते हैं कि 5:45 तक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के सारे टाइप खत्म कर लेंगे, आप हेडिंग लगाओ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री आप पे बहुत भारी पड़ने वाली है, मेरे को ये टेंशन हो रही है आप समझ पाओगे कि नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना, बहुत टाइम कम है, मेंस के लिए कम से कम 1.5 साल मिलनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। अरे आप बताओ, प्री की प्रिपरेशन आपको 1.5 साल मिला है, प्री में ज्यादा मिला है, हो पाई पूरी, 4 सब्जेक्ट थे और मेंस में ये महीना मिल रहा, कब से, 2017 फरवरी में हुआ था, तब से मान के चला जाए तो 1.5 से भी ज्यादा साल आपको मिली है, बताओ तो कैसे होगा यार, हमें तो टेंशन हो रही है बहुत, मेरे तो पता नहीं फिर से ना एंजाइटी हो जाए तुम्हारे चक्कर में। तो हाँ, मुझे अभी से टेंशन हो रही है सिलेबस की, जबकि अभी तो शुरुआत है, हो जाएगा सब, देखेंगे जो होगा। हाँ गोली तो नहीं खाऊंगा, एक बार निकल गया ना, बहुत मुश्किल से निकला हूँ, अब दवाई किसी भी स्थिति में नहीं, सब छोड़, है योग तो इतनी स्ट्रॉन्ग विल थी कि निकल गया, नहीं तो एक बार जब ये दवाइयां शुरू हो जाती हैं आदमी निकल नहीं पाता। हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जल्दी से आप हेडिंग लगाओ, और इसमें भी कई सारी चीजें जो आपको नहीं पता है जो हमें जाननी है कि आजकल उन पे भी सवाल आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम जहां आप पहुंचना चाहते हैं, मिनिमम जहां पे किस्मत ने ला के रखा हुआ है, है कि नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमम का यही फंडा है। कहाँ से शुरू करेंगे, आसान आसान सी बातें तो बहुत जल्दी बता दूंगा, जैसे कि 10 + x² जो बताता हूँ जल्दी से पूरा ही बता देता हूँ। x लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ -x लिखा, यहाँ x² लिखा, या -x² लिखा, या मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको पता है कि x का मैक्सिमम मान इन्फाइनाइट हो सकता है, मिनिमम -∞, जब तक कोई कंडीशन ना दे रखी हो। -x का मैक्सिमम इन्फाइनाइट, इसका -∞, इनमें से किसी पे भी सवाल नहीं आता क्योंकि इन्फाइनाइट पूछता नहीं, इन्फाइनाइट कोई संख्या नहीं है। एक्स स्क्वायर की बात करें तो मैक्सिमम मान 0 नहीं, इन्फाइनाइट, सकल तो है ही नहीं किसी लायक, इन्फाइनाइट। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो आपको पता है कि ये नेगेटिव में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, इसका मतलब 0 होगा।
और माइनस एक्स स्क्वायर, आप एक्स जो मर्जी रख लो, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। हो सकता है पॉजिटिव? नहीं हो सकता, तो कम से कम जीरो ही हो जाए, जीरो माइनस। तो ये दो चीजें हमारे काम की हैं। अगर कभी आपको इस तरीके की फॉर्म मिलती है 10 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपसे क्या पूछ सकता है? आपने देखा एक्स स्क्वायर के केस में मिनिमम वैल्यू और माइनस एक्स स्क्वायर के केस में मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, तो इसके केस में क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम इसकी क्या होगी? इनफाइनाइट। तो अब हम मिनिमम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम आए। तो आप बोलेंगे कि 10 में से कुछ ना कुछ घट जाए, लेकिन घटने का स्कोप नहीं है। आप एक्स कुछ भी रख लो, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कब? जब एक्स बराबर जीरो होगा। ठीक है, ऐसे 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 10 में से घटेगा ही घटेगा। अगर आप चाहते हो तो x को जीरो कर देंगे तो 10 रह जाएगा, वरना 10 से कम ही होगा। तो व्हेन x बराबर जीरो, अब इसी चीज को और कैसे पूछ लेगा? ऐसे लिख देगा 18 प्लस 2x माइनस 3 का स्क्वायर का मिनिमम मान x के किस मान पे होगा? तो आपको पता है कि इसका मिनिमम मान कितना होगा? 18। और कब होगा? जब x 3/2 होगा, क्योंकि मैंने 2x माइनस 3 को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। ठीक है, ये लिख रहे हो ना साथ साथ? एक सवाल हमने लिख दिया 5 माइनस 4a माइनस 3b का स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। विल बी कैसे लिख दिया हमने? विल बी मैक्सिमम व्हेन a बाई b। ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा सा टाइम देना है। कितना? हाँ, तो आप समझ गए कि इसका मैक्सिमम मान कितना होगा जी? 5 होगा। कब होगा? जब ये चीज जीरो होगी। ये जीरो कब होगी? जब a बाई b 3/4 होगा। बात समझ गए हैं? ये बात सबको समझ आ गई? ये बहुत बेसिक बात थी, अगर यहां तक आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आवाज अभी थोड़ा ठीक है पहले से? ठीक है। हेलो हेलो, हाँ थोड़ी भारी है बस। बड़े आगे बढ़े, मिटा देते हैं इसको। जो चाइना वगैरह है उनके यहाँ पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन में भी पढ़ाने की कि क्लास सामने रहती है, बिल्कुल सब कुछ डिजिटल है, सच में नहीं होती। सारे बच्चों की फोटो आके एक साथ, वो ऐसे लगती है कि क्लास है टीचर के सामने बड़ी सी स्क्रीन पे। और उसमें क्या है, जैसे आप टेबल पे बैठेंगे तो आपके हाथ में बैंड लग जाता है। अगर एक बच्चा सो रहा है या उसके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ भी चल रहा है, तो वो सायरन हो जाएगा कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा टीचर के सामने। यार आप हंस रहे हो, मेरे पास वीडियो है, आप जब यहां से जाओ ना 6:30 बजे तो देख लेना, मेरे पास वीडियो है उनकी क्लास का। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कभी चाइनीज मोबाइल भी देखा है? चाइना की बातें बताऊंगी तुम्हें। अजय उसमें मतलब टीचर, सही बात है, टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी ऑनलाइन क्लास में भी है, जो कि एक बड़ी चीज है। हमारे इंडिया में उन सब चीजों को आने में भी 20 साल लग जाएंगे, लेकिन हम फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन पे चल रहे हैं। जबकि यूट्यूब एजुकेशन बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है एक तरीके से, और बहुत टेंशन की बात है कि वो जो बेरोजगार युवा जैसे ही उस पर क्लिक करता है, तभी नीचे बीवी की वाइन से लेकर और तमाम वो सब जो बातें हैं उसको, उनमें वो घूम के रह जाता है और फिर फाइनली आंखें मीट के सो जाता है। मैंने नहीं देखा, बहुत कम बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन है पढ़ते हुए कॉपी लेके भी बैठते हैं, तो लेट के मोबाइल पे बस देखा, अपना नींद आ गई, कब पता नहीं। इतनी सी छोटी सी बात हमने जान ली। इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि कभी ऐसे सवाल लिखा हुआ है कि यार 9x² प्लस 9x² है, हाँ अभी ठीक है, मतलब कंप्लीट ठीक नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। का मिनिमम मान कितना होगा? ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि हम इसको ना होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये क्या होगा? 3x प्लस 5 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5 बचेगा। तो अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी। कब होगी? जब ये चीज़ 0 यानी x बराबर माइनस 5/3, ये होगा। x बराबर कितना होगा? माइनस 5/3। बात की गहराई समझ गए? हाँ, अब मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, एक बार डिफरेंशिएशन भी बताता हूँ बहुत जल्दी से। डिफरेंशिएशन आता है आप सबको? हल्का हल्का आता है,
यही बात होती है, दिमाग है भैया। जब से पहले एक सवाल, √7 − x + 5, √7 + x − 5 का मैक्सिमम मान क्या होगा और जब एक्स क्या होगा, का मैक्सिमम मान क्या होगा और एक्स क्या। यार आप कैसे बता देते हो इतनी जल्दी। ठीक है, कितना आ रहा है तुमसे, हो गया सवाल। तुम बहुत होशियार हो रहे हो आजकल। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और एक्स माइनस पाँच का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसका मैक्सिमम मान 7 होगा। कब होगा? जब एक्स बराबर 5 होगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आता है तो कर लेंगे, लेकिन यही चीज़, जैसे ये वाली चीज़ थी ना, ये चीज़ अगर डिफरेंशिएशन से हम करते हैं, जैसे अभी तक तो क्वाड्रेटिक में आ रहा है, लेकिन कल को क्यूबिक इक्वेशन पे भी सवाल आ सकता है, और क्यूबिक इक्वेशन पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकलेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकलेंगे देखते हैं। यार ये भी बहुत लंबा टॉपिक खींचेगा, बहुत कुछ है इसमें भी पढ़ाने के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक तो आपको पता आना चाहिए कि जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं एक्स की पावर एन का ही बता देता हूँ डायरेक्ट, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे एक्स की क्यूब का निकालेंगे तो कितना होगा, 3 इधर और एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू एक्स। एक्स का निकालेंगे तो कितना होगा, 1, और कॉन्स्टेंट का निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएशन जीरो करना होता है। जैसे आप साथ के साथ ही कॉपी भी करते रहना, समझते भी रहना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 × 2x और ये 0 + 30 = 0। 0 से 0 कट गया, आप देखेंगे x यहाँ पे कितना आ जाएगा, −15/9, यानी कि −5/3, यानी कि x बराबर −5/3 पे ये जो भी पूछा है। वैसे तो देखो पता लग जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव है, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव है तो मिनिमम मान ही निकलेगा, मैक्सिमम नहीं निकल सकता। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो मैक्सिमम निकल सकता। ये सबको समझ आ रहा है पीछे तक, पीछे जो बैठे हैं ये हनुमान कलर की टी शर्ट पहन के, आपको आ रहा भी समझ? बता दीजिए कि जिसको ना, मैं ही मान के चलता हूँ कि मेंस की तैयारी करो तो तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, वो मेरी गलतफहमी हो सकती है, अलग बात है। मैम आपकी आज पहली क्लास है? ओ कहाँ से आई हैं? युगांडा? कहाँ से? अरे आवाज यहीं तक आई ऐसे। फिरोजाबाद, जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। ओहो, तो हमें कभी जाने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन आगे की प्लानिंग में है। आप ये बताइए, तो मेंस की तैयारी कर रही हैं? तो ये तो आपको अभी कई क्लास हो चुके हैं अलजेब्रा की, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, कल से नया टॉपिक चलेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री डिसाइडेड है? कोई नहीं, अब मेरा मन है तो ट्रिग्नोमेट्री के आनी चाहिए ज्योमेट्री के लिए, समझ रहे है कि नहीं? ठीक है, आप x बराबर −5/3 अगर इसमें रख दें तो क्या समझते हैं वहां से, 9 × 25/9 + 30 − 150, 30 भाई सर 50 आ रहे, चलो 50 कर लेते हैं। 9 से 9 कट गया, ये कितना आ गया, 5, यही उत्तर आ रहा था वैसे भी। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पतला होना चाहिए। जैसे अब मान लेते हैं अगर कभी क्यूबिक इक्वेशन पे सवाल आ गया, कभी अगर क्यूबिक इक्वेशन पे सवाल आ गया तो वो सवाल क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। सारे लिखना एक सवाल की x की क्यूब इसी बंद है मेरा, एक्स की क्यूब + 6x² (x³+6x²+9x+2) का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, बी फास्ट। (x³+6x²+9x+2) का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, माइनस, पता नहीं, मैंने तो बोला मैक्सिमम भी बतानी है मिनिमम भी बतानी है, +2 − 2 है, 20 और 16। यार तुम पे मुझे बहुत भरोसा रहता है, तुम तोड़ दो तो वो अलग बात है। +2 − 2
छः महीने से कहाँ से पढ़े हो तुम? स्कूल के पीछे तो नहीं पढ़े जहाँ सपड़ी बिकती थी? सपड़ी समझते हो? अमरूद। अरे चूरन नहीं, अमरूद को कहते हैं सपड़ी। गुआवा सुना है? नहीं, ये भी नहीं सुना। पिंकी कुमारी आप बताओ? नहीं। देखो अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 6x² + 12x + 9 बराबर 0। तो यहां से कितना आ गया, 3 से भाग लग रहा है, 2x² + 4x + तो मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम गड़बड़ कर रहे हो। तो ये x² + 4x + 3 बराबर 0। यहां से दो फैक्टर आ गए, x + 3, x + 1 बराबर 0। तो x कितना आ गया, -1 -3। देखिए अब दो बातें, अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछी है, दोनों ही पूछी है, तब तो मैं आगे नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट क्या कर लूंगा, जैसे -1 यहां रखूंगा, कितना आ जाएगा भाई, -1 + 6 - 9 + 2। तो ये कितना आ गया, 6 और 2 8, माइनस का 2 आ गया। अब जब मैंने -3 रखा तो माइनस का 27, 3 + 9 = 54, और माइनस का 27 + 2, तो ये इससे कट गया, ये 56 आ गया। इतना ज्यादा क्या? हाँ, +2 ये कट गया। तो अब यहां से ये बताने की जरूरत है कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी छोटी। अगर मैक्सिमम पूछेंगे तो 2 और मिनिमम पूछेंगे तो -2। लेकिन अगर पेपर में एक ही पूछी गई होती तो क्या फिर दोनों निकालते? तब भी तब नहीं निकालते, तब थोड़ा सा और समझना पड़ेगा आपको। अगर पेपर में एक ही पूछी गई होती तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, ए इसका। तो दोबारा करेंगे, कितना होगा, 3 × 6x + 12 ये आ गया। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर आप इसमें -1, जैसे आपसे सवाल में मान लेते हैं पूछा कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो जब मैं x बराबर -1 इसमें रखूंगा तो ये कितना आएगा, 6 + का आएगा। ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं? अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब x बराबर -1 पर ये मिनिमम होगा। और देखो वही हो रहा है, ये -2 कभी है, ये दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। दो बार डिफरेंशिएशन खाली इतनी बात बताता है आपको कि अगर दो बार वाला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव आ रहा है, या आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप कुछ मत करो भैया, जो दो मान रहे ना दोनों रख दो, बड़ी को मैक्सिमम कहेंगे, छोटी को मिनिमम कहेंगे। अगर आपको चेक करना है, -3 आपने इसमें रखा तो ये कितना आ जाएगा, -6 < 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर -3 पर ये मैक्सिमम होगा। इतनी सी बात आपको समझनी, खत्म हो गया। अब मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये वाला टाइप खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट मिटा दें इसको, ये समझ गया आप। अगर क्यूबिक पे भी कभी आता है, आज तक आया नहीं क्यूबिक पे सवाल कभी, मान लेते कोई ऐसा चटपटा सा सवाल दे दिया, 8x² + 41x + 35 का मिनिमम मान x के किस मान पे होगा, तो देख के ही बच्चा बता सकता है, 8 × 2 = 16, यानी 41/16, वो भी माइनस का, इस पे क्या होगा, मिनिमम। क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हवा में, तो इतना फास्ट होना चाहिए। कभी ये भी आ जाता है कि ये मिनिमम कब होगा, x का मान बताओ, तो कर लेंगे डायरेक्ट, बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये कॉपी कर लो जल्दी से, आप समझ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये भाई साहब को समझ आ रहा है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, आगे बढ़े। अब इसके बाद एक बात और, ये भी बड़े काम की बात है कि x² + 1/x² लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे, ठीक है। x² + 1/x² का मतलब क्या है, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं और 2 घटा देते हैं तो ये बन जाएगा x - 1/x² यहाँ पे x रियल है, x क्या है, रियल। कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे, एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो x - 1/x² + 2 हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि 10 + x² की फॉर्म होती है, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, ये हो जाएगा, इसका मिनिमम मान 2 होता है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि x + 1/x का, आपने ये तो देखा ना कि ये मिनिमम कब आ रहा है, जब ये चीज 0 हो रही है, और ये चीज 0 कब हो रही है, जब x² 1 है,
तो अगर एक्स स्क्वायर वन है, पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि एक्स का स्क्वायर रियल नंबर है, अगर कोई इस बात की गारंटी दे दे कि एक्स भी जीरो से बड़ा है, तो इसका मिनिमम मान भी दो होगा होगा। कल को कोई ये लिख दे अंडर रूट एक्स प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स, तो आप अच्छे से जानते हो कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मिनिमम मान भी कितना होगा। तो कल को कोई हीरो बन के ये लिख दे एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पांच प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस एक्स माइनस पांच का मिनिमम मान बताओ, तो दो होगा, निकालने मत लग जाना। क्योंकि ये भी क्या है, एक्स प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म है, जहां पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव देके कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने एक सवाल भी देखा होगा 2012 में आया था, मैं लिखता हूँ एक सवाल। किसी को ज्यादा स्पीड से प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, अपनी स्पीड से प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आपकी कम क्यों है। जैसे आपने एक सवाल देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर दो माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के कितने मान संभव है, वन। आओ पता है, तो मैं वही कह रहा था, वो चीज़ भी देखो यहाँ से आई थी। हमें लगता है कि यार इसमें तो पावर देख लेते हैं कि एक्स के कितने मान संभव है, उतने रूट आ जाएंगे, लेकिन नहीं। आप बताइए ये एक्स प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म है या नहीं है, इसका मिनिमम मान कितना होगा, दो। और इधर लिखा हुआ है दो माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपने एक्स गलती से भी कुछ भी फिट कर दिया कुछ भी, तो ये दो से कम हो जाएगा या नहीं। और हम कह रहे हैं कि इसका मिनिमम मान ही दो होता है। मिनिमम खाली वर्ड से मतलब रखा मत रखा करो, मिनिमम का मतलब भी समझो। मिनिमम का मतलब है कि इससे कम नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि इससे कम नहीं हो सकती वैल्यू। अगर इससे कम नहीं हो सकती तो एक्स में कुछ भी नहीं रख सकता चाह के भी, जीरो के सिवा। अब लेकिन मुझे ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्स बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो मैंने देखा जीरो जीरो कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स का ऐसा कोई मान नहीं हो सकता। रट के बैठे हैं, वन बता दिया, शर्म ही नहीं है, हया ही नहीं। एक्स का यहां पे कोई भी मान संभव नहीं है, एक मान संभव हो सकता था, वो था एक्स बराबर जीरो, लेकिन एक्स बराबर जीरो इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो अगर मैं यहां प्लस वन कर दूं तो एक्स का एक मान संभव होगा, वो है जीरो। बात समझ गए कि क्या है। तो ऐसा ये कंसेप्ट कि कहां कहां यूज होते हैं, तो जितना ज्यादा आपको कंसेप्ट अच्छे से आते रहेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें मैं दो तीन सवाल पूछता हूं फटाफट से आपको, जिनके आंसर बताए, बस देखते ही आप आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, तैयार है? आप ये समझ गए यहाँ पे, एक बात ये भी समझ गए, मतलब कि x प्लस एक बटे एक्स का मिनिमम मान में दो तो बोल रहा हूँ, लेकिन कब बोल रहा हूँ, जब ये वन है, समझ गए ना। तो वन डाल देंगे जल्दी से फटाफट से, कभी भी सवाल बनता है तो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस तीन दे दिया, इसका मिनिमम मान पूछ लिया, तो आपको बताएगी ये चीज वन होगी तभी बनेगा, और ये वन होगी तब एक्स स्क्वायर मतलब जीरो होगा, तो जीरो होने का मतलब कितना हो जाएगा, इसका आंसर माइनस टू आ जाए, समझ गए ना। हमने बोला कि यहाँ पे भी प्लस वन करो या तो, या फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि ये चीज क्या होनी चाहिए, वन, और वो ये तब होगी जब एक्स स्क्वायर जीरो होगा, तो जीरो रखा तो वन ये आ गया, माइनस टू उत्तर आ गया। या इसी चीज को आप कैसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर हो जाता, तो इसका कितना आता मिनिमम मान, दो, और दो माइनस चार कितना होता, माइनस टू, ये उत्तर। समझ रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्री में कहीं भी कोचिंग नहीं ली थी, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, एक दो तीन। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियोज भी नहीं देखे, तीन, तीन दिन ही निकल के आ रहे हैं, बाकी सबने देखी है, मतलब बाकी सब समझ रहे हैं। तीन चार बच्चों के लिए सोचना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिकली है ही उन लोगों के लिए जो बाकी में 195 200 टारगेट करना चाहते हैं। तो बाकी तो हम पढ़ा ही चुके हैं, इतना यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया, प्री की क्लासेज में मैं इतना पढ़ा चुका हूँ, कुछ अब और अलग क्या हो सकता है जिससे वो 40 सवाल भी ठीक हो जो कठिन आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया आएगा ही। एसएससी भी वैसे भी जली बुनी बैठी, अब की बार तो पिछली बार भी कैट वालों को पेपर दिया था बनाने के लिए, इस बार तो जो है उनको देगा ये खुराना आईएमसी इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड वगैरह जो करवाते हैं, कहेगा यार थोड़ा ऐसा पेपर सेट करो, एआईएमई एएमसी, ये तो इन लोगों को भी पता नहीं होंगे, खैर नाम एक्स वाई जेड, हमें नहीं आते सवाल समझ उनकी। आपने ऑस्ट्रेलिया का देखा, एक टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया मैथमेटिकल कंपटीशन, उसके पेपर देखेंगे अभी नहीं? ओलंपियाड तो बहुत कॉमन है,
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सवाल आप समझ नहीं पा रहे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, लैंग्वेज तो अलग नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन एक सवाल में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वो मैथ में तीन चार ही सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सिर्फ तीन चार। ऐसा नहीं कि वहां पे ये पाइप की टंकी खोल के चला गया आदमी, ये सब नहीं है वहां, ये सब फालतू बकवास नहीं है वहां। कि 68 की जगह 56 लिख दिया तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बाह्य चीजें वहां नहीं, सिर्फ वहां कंसेप्चुअल चीजें, नंबर सिस्टम है, सेट थ्योरी है जो कि सबसे कठिन होती है जिससे दिमाग चेक हो सकता है, ये सब चीजें। इसे हिंदी में लिखो इसे, अरे आप हटा दो इसको, ये इससे वैसे मतलब नहीं है कुछ, आप लिख लो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। यार आप मेंस में आपको इंग्लिश नहीं देनी 200 नंबर की, ऐसे करोगे यार आप। चलो कितना आ गया, ये आ गया। हाँ अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या बन जाएगा, जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो एक्स से ये भाग लगेगा और वाई जेड से ये लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बटे वाई जेड बटे एक्स, ये एक्स प्लस एक बटे एक्स बनेगा आगे जाके। दिख रहा आपको या नहीं, जैसे ही आपको नहीं दिख रहा, जब आपको ये समझ में आ जाए कि एक्स प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म बननी है, तब आपको पता है कि मिनिमम कब होता है, जब ये एक एक हो जाते हैं, तो डायरेक्ट एक एक रख दो। आप समझ गए, जैसे मैं अगर पहले वाले में भाग लगाऊं तो ये आ रहा है x बाहर और अंदर, तो ये आ रहा है x बटे वाई प्लस x बटे जेड। अब मैं आपको आगे बताता हूं, यहां पे पता है क्या आएगा, y बटे x आएगा। अगर y बटे x आ गया, इसका मतलब ये x प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म है, नहीं है, है। तो मैं वही कह रहा था, अगर आपको ये पता लग जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म है, तो मिनिमम मान दो होता है, और कब, जब वो वन हो, तो आप इन सबको वन वन रख दो, तो वन रखेंगे, दो प्लस दो छह, छह ही उत्तर। वैसे भी सिक्स आएगा, क्योंकि एक बार एक्स बटे वाई, वाई बटे एक्स, फिर एक बार वाई बटे जेड, जेड बटे वाई, सबका दो दो आएगा, दो तिया छह। ठीक है, मिटा दूं, ये समझ गए ना। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ पाया, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा बहुत कमजोर है, तो वो एक ऐसे बच्चे को पकड़ ले जिसको थोड़ा बहुत ठीक आता है, ताकि बीच बीच में छोटे मोटे डाउट आए तो वो उससे पूछता रहे। पुलकित महाराज आपको आ रहा है समझ, ठीक है, आप चारों पांचों को एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपको बताना है कि मिनिमम मान ए प्लस बी प्लस सी, एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी। अब ज्यादा नहीं करता, ये घर से करने के लिए दे देंगे आपको ना, ज्यादा सवाल ये देखते ही बता देंगे उत्तर कितना। चलो इसी में एक और लिख लो साइड में, एबीसी ये सवाल पूछ रहे कुछ। चलो ये वाले सवाल हो गए, अब आप समझ गए ना कि ये भी a बाई बी, b बाई a का फॉर्म बन जाएगा, यानी सबको वन वन ही लेना है। तो इसको वन वन लूंगा तो तीन तिया, इसका भी नौ उत्तर आ रहा है, इसका भी 27। इसमें क्या होगा पता है, a से भाग लग जाएगा, तो a प्लस वन बाई ए प्लस वन, तो वो दो प्लस एक, तीन तिया नौ तिया 27। तो इनमें से कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे पक्का, बरेली कांगड़ झुमके कहाँ पे तुम्हारे। चलो कोई नहीं, दिल पे मत लो, ठीक है। अच्छा एक सवाल नॉर्मली ऐसा ही मिटा दें इसको, एन की क्यूब माइनस सेवन एन स्क्वायर, एन की क्यूब माइनस सेवन एन स्क्वायर प्लस 11 एन माइनस 5। अगर पॉजिटिव है तो एन का न्यूनतम मान क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है तो एन का न्यूनतम मान क्या होगा, एन का न्यूनतम मान क्या होगा। सेवन बाई थ्री, ये आप कैसे निकालते हो, इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है। नहीं, डिफरेंशिएशन किस बात का, ये तो ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है,
इसने ये थोड़ी बोला है कि इसका मिनिमम मान बताओ या कुछ, ये बोल रहा है कि अगर ये जीरो से बड़ा है तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। चश्मा आप बताइए जी, आपने कभी ऐसा सवाल ही नहीं देखा। ओ बिजनौर पागल हो क्या तुम, हर बात पे डिफरेंशिएशन क्या पूछ रहा है सवाल में, क्या नहीं पूछ रहा है कोई मतलब नहीं। 7/3 हल्लू है क्या? ये बोल रहा है कि ये जीरो से बड़ा है तो मैं एन ऐसा क्या रखूं कम से कम जिसपे कि ये जीरो से बड़ा है। टू, अच्छा आपने वन रखा तो जीरो के बराबर आ गया तो आपने सोचा दो रख देता हूं। भैया ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, क्यूबिक है, हो सकता है तीन पे नेगेटिव हो जाए। तीन पे क्या हो रहा है चेक करो जरा, 3 × 3 = 9 = 27, 3 × 9 = 70 = 63, 33 - 5 नेगेटिव आ रहा है बताओ। तो होशियार बनना है अपने आप को। 11/3 आपने कोई नई तरीके से डिफरेंशिएशन कर दिया होगा। नहीं, ओ मेरा बच्चा बहुत आगे जाएगा, वेरी नाइस। सोनीपत कोई बात नहीं, शायरी नंबर टू। हाँ बेटा, भी आपको शायरी में पहुंचने के लिए भी हमसे काफी एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, अभी आपकी शुरुआत है। दिल दिमाग में और दिमाग दिल में जब उतरेगा और कुछ शब्द जब आत्मा से निकलेंगे तो वही अच्छी शायरी बन सकती है। इतना आसान नहीं है, ये लड़का भी शायरी लिखता है लेकिन अभी इसको काफी नरेश होने की जरूरत है। आपसे भी नहीं हुआ ये सब। देखो आप एक चीज समझो, अगर मैं इसमें n बराबर 1 रख रहा हूँ तो ये जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ इसके फैक्टर करो तो आप बोलेंगे कि फैक्टर जो हम करते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के वो आसान नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, एक रखते हैं, दो रखते हैं, तभी तो करते हैं। तो मैं ये तो समझ गया कि n बराबर 1 रखने पे इसके जीरो आ रहा है तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं इतना समझ गया अगर n बराबर 1 रखने पे जीरो आ रहा है यानी कि n माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, फैक्टर थ्योरम भी बताऊंगा जल्दी से, टाइम देखना पड़ता है बार बार इसमें कितना हो गया। एन माइनस वन इसका फैक्टर है तो एन माइनस वन मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ इसमें से, तो एन की क्यूब माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 6n² + 12n लिख दो। 6n और प्लस 5n - 5 > 0। अब आप देखेंगे कि एन माइनस वन पूरे में से कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं भाई? तो यहाँ पे कितना बचेगा एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 6n प्लस का 5 > 0। अब आपने देखा ये n माइनस 1 आ गया और एक और इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं भाई? n माइनस 5 और n माइनस 1 > 0। अब आपने देखा कि n माइनस 1 का स्क्वायर बन गया और n - 5 > 0। अब आप ही बताओ जो n माइनस 1 का स्क्वायर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा लेकिन मुझे ये करना है पॉजिटिव, तो क्या होना चाहिए? ये 5 से बड़ा होना चाहिए एन का मान। अगर एन इंटीजर है तो एन बराबर 6 होना चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन पूछा था मैंने कि एन का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, तो न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा? 6 होगा, 6 5 से बड़ा होगा, तो 6 इज द राइट आंसर। बात समझ गए? तो ऐसा कभी सवाल अगर आता है कि ये पॉजिटिव है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट आपको मिली है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम आगे बढ़े। एक सवाल लिखना है कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, रियल नंबर such that x plus y plus z बराबर 5, such that x plus y plus z बराबर 5, xy plus yz plus zx बराबर 3। तो इसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम, यहीं से मैं अब आपको इनइक्वालिटी सिखाऊंगा क्या होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन है 5/3, 13/3, √19। इसको आराम आराम से बताता हूँ।
क्योंकि ये आपसे होने वाला तो नहीं है। 13/3। हाँ हाँ जी, ये लो आ गया। अब तो डिजिटल बोर्ड है जी, मिटाया तो है नहीं। बोलो। नहीं मेरी बात सुनो, वो कोइंसिडेंटली अगर आपका उत्तर आ रहा है अलग बात है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है डिफरेंशिएशन। और मेरी बात तो सुनो, मैक्सिमम वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, -6 भी किसी का मैक्सिमम मान हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मुद्दा ये था कि ये पॉजिटिव है। मैक्सिमम की बात नहीं की इस सवाल में, इस सवाल में ये नहीं कहा कि ये मैक्सिमम कब होगा, इस सवाल में ये कहा है कि ये पॉजिटिव होगा। हाँ 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 अरे नहीं, मेरी बात सुनो, क्यूबिक इक्वेशन में हर सवाल की मैक्सिमम और मिनिमम नहीं निकल सकती। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x³+3, अब आपको कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ मैं निकाल दूंगा डबल डिफरेंशिएशन से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी। वो रेंज पे डिपेंड करेगा कि क्या रेंज है। हर सवाल में ऐसा नहीं है कि हर सवाल में आप करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम निकल सकती है। क्यूबिक के केस में ऐसा नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमम निकलेगी निकलेगी, कंपलसरी है। और यहाँ पे तो मैक्सिमम और मिनिमम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ये तो बोल रहा था कि बस ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये किस मान पर हो सकता है 0 से बड़ा? अब आप इसमें 6, 7 और कुछ भी डाल के देखो, आप डालो 6 डालो 7 डालो 8 डालो 9 डालो, ये सब पे पॉजिटिव आएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो मुझे दोबारा से बताओ, मुझे समझ आई नहीं आपकी पूरी बात, या क्लास के बाद पूछना आपकी क्या कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कोई चक्कर नहीं था। अब इस सवाल को के साथ साथ हमें 2-3 बातें जाननी है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे अभी एक सवाल एक बच्चे ने ये भी पूछा है, हम पहले इस पर भी गौर फरमा लेते हैं। ये किसने पूछा, ये आया किसी पेपर में सवाल? CDS में है, CDS में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो पहले मैं इस सवाल पे गौर फरमाता हूँ, क्योंकि इस सवाल का जो कंसेप्ट है वही इसमें लगना है। इनको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी, जैसे भैया ने लिखा है। देखिए आप, इन सवालों की बारी है जो CDS वगैरह में आ रहे हैं, तो इसके ऑप्शन इन्होंने दिए हैं -3 छोटा होगा x। SSC वाला बच्चा पता है भी इन सवालों को कैसे करता है। जैसे उसने देखा -3 और 9 है, तो बीच की वैल्यू पकड़ के इसमें रखता है, उसको पता नहीं है कि ये होते कैसे हैं सवाल। x < 9 या x बड़ा है -3 से और x छोटा है -3, 4 ऑप्शन है। टिंकू जिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, आप समझ लो इसका तरीका क्या है करने का। ये चीजें आराम से बताऊंगा, आप में से किसी ने नहीं पढ़ी। जैसे मैं इसके फैक्टर करता हूं, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x+3 और x-2। देखिए आपको डायरेक्ट फैक्टर करने आ जाने चाहिए, पता है कैसे? जैसे हम देखते हैं कि यार माइनस का 27 है, तो एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा। 27 के 9 और 3 होंगे, ये भी पता है, लेकिन -6x आ रहा है, यानी कि माइनस वाला बड़ा होगा। -9 आएगा प्लस का 3, तभी तो -6 बनेगा। तुम्हारा पीने का मन कर रहा है तो रख दो, पी लूँगा। अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कौन से पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है इनको जीरो करना। भाई किनारा क्या है? क्रिटिकल मतलब किनारा, कहते नहीं क्रिटिकल सिचुएशन है नाना जी की, कभी भी जा सकते हैं ऊपर, प्रॉपर्टी वगैरह का देखो कागज कहाँ रखे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है -3 और 9, यही है। इनको हम एक नंबर लाइन पे सजा लेते हैं और हम ये कहते हैं कि नंबर लाइन नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, और ऐसे चलना शुरू करते हैं। मैंने बोला अभी आपको कि ये नीचे क्या है, नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है और पॉजिटिव कहाँ है। अब सवाल में हमें पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव? पॉजिटिव पूछा है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? तो आप बोलेंगे अगर -3 से इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव, यानी कि x अगर लेस देन है -3 से तो पॉजिटिव, या 9 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, यानी x बड़ा हो 9 से। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? बी, ये उत्तर हो। अगर ये सवाल उल्टा लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि x² - 6x - 27 लेस देन जीरो होता, ये लेस देन जीरो होता, तब नीचे वाला आता, तब हम कहते कि x का मान जो है वो 9 से छोटा और -3 और 9 के बीच में होता, तब उत्तर होता पहले वाला, अगर ये होता।
आप समझ गए कि नहीं? तो ऐसा सवाल इनइक्वालिटी पे आपके पेपर में भी आ सकता है। जैसे यहाँ तो फैक्टर करने की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है फैक्टर करने की जरूरत ना पड़े। एक सवाल से और बताऊंगा, इसको कॉपी कर लो। चलना किधर से? यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एसटीपीटी स्टार्टिंग पॉइंट। शॉर्टकट का जमाना है जी। आपको लोग कहते हैं TTYL, मैं पहली बार सुना, बड़ा अजीब सा लगा TTYL, टॉक टू यू लेटर। एक बार और आप कॉपी तो कर लो। ये चश्मा आपने कहाँ से बनवाया है? काफी अट्रैक्टिव है, अच्छा लग रहा है, जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो टिंकू जी आपके साथ बनवाया था मैंने। आएगा कोई, इसको भी साफ करेगा भाई। पागल है ये ना, प्रॉपर्टी, ये इनके पापा सब प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भाई रखता है अकाउंट बैलेंस, समझ गए? प्रॉपर्टी वॉपर्टी के चक्कर में नहीं है कुछ, कि प्रॉपर्टी खरीद ली इतनी पड़ी है वहां, कौन राज करेगा? बेटों के बेटे के बेटे। इतने आगे की नहीं सोचता मैं। हाँ, कह रहा है हमारे गाजियाबाद में भी प्लॉट ले लो, मेरी शादी वगैरह में काम आ जाएगा। इसकी शादी के लिए मैं गाजियाबाद में प्लॉट लूँ। दोबारा से देख लो भाई, ये बड़ा था हमने का। मैं एक सवाल से और समझा देता हूँ, क्या एक ही सवाल पे पड़े रहो। x माइनस एक्स प्लस वन है, x माइनस टू है, x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, और पूछ रहा है x की रेंज क्या होगी। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले माइनस एक दो और तीन, और नंबर लाइन पे सजा लिया माइनस एक दो और तीन। ऐसे जाएंगे और ऐसे 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 घूमते रहना, जिंदगी ऐसे ही है। अब आप बताओ, इसने ग्रेटर देन जीरो बोला था, तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ। यानी हम ये कह सकते हैं, या तो माइनस एक से एक्स दो के बीच में हो भैया, या एक्स बड़ा हो तीन से, इस पे पॉजिटिव होगा। नेगेटिव की अगर बात करता तो नेगेटिव अगर ये होता लेस देन जीरो ये होता, तो एक्स लेस देन माइनस वन या एक्स तीन और दो के बीच में। तो ये बात समझ गए, ये तो थी इनइक्वालिटी जो आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के सवालों में लगेगी। कौन से सवालों में लगेगी अभी देखते हैं जल्दी से। आप इस चीज को कॉपी कर लो, जिसको भी समझ में नहीं आया वो बता दो, और क्यों नहीं आया ये भी बताओ। एक सेकेंड, हाँ कौन बच्चा था कुछ पूछ रहा था? हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, सारी नेगेटिव हो, ग्राफ ऐसे ही शुरू होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है ग्राफ का। अगर किसी पे स्क्वायर लग गया, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लग जाता, अब इतनी आगे की चीजें मत पढ़ो, फिर बहुत लंबा चला जाएगा मामला। हाँ, तो एलजेब्रा में साल लग जाएगी, समझ रहे हैं? फिर आप में हमें अंतर ही नहीं जाएगा, फिर स्टूडेंट टीचर बराबर हो जाएंगे, और फिर स्टूडेंट का टीचर से क्या लेना देना। अगर आप वो टीचर बनना है तो उस तरीके का मैं पढ़ा दूँ। जैसे x माइनस टू का स्क्वायर, अगर स्क्वायर आ गया तो ये ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से वापस लौट जाएगा, समझ गया? तो इतना मत पढ़ो आप, इतना आपके पेपर में नहीं आएगा, आप क्यों बेचैन हो रहे? इतना ही पढ़ा दे यही काफ़ी आपके पेपर में ना। ये अगर आता भी इनइक्वालिटी, तो या तो नॉर्मल सा सिंपल सवाल आएगा, या फिर ये मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। एक बार आया भी ये मैक्सिमम मिनिमम, मैं दिखाऊंगा अभी क्या सवाल आया, पहले हम इस सवाल पे फोकस करते हैं, ठीक है भाई? अब आप देख रहे हो कि एक्स दो इक्वेशन दे रखी है हमें भाई, ठीक है, दो इक्वेशन दे रखे हैं हमने, इसको बदल दिया किस में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स कॉमन लेके एक्स में लाना चाहता हूँ सब कुछ, वाई जेड प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड बराबर तीन, ये होगा। वाई प्लस जेड को क्या रख सकते हैं, फाइव माइनस एक्स, तो एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स प्लस वाई जेड को, और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, जेड को, जेड को लिख सकते हैं फाइव माइनस एक्स माइनस वाई, लेंथ ऐसा नहीं हो रहा सवाल, ये पूरा एक में एक्स में नहीं आ पाएगा पूरा, एक और इक्वेशन होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बेटा सवाल में। एक्स
प्लस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3। भाई इतना ही है, यही है लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए, ऐसा कुछ नहीं दिया, यही है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। जिंदा है, जब देखेंगे नहीं होगा तो इसका आपका कितना रहे, आ गया उत्तर, पता नहीं, छोड़ो ना, मैं बता देता हूँ ना यार, एक बार देखो ये कितना आ गया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर, और उधर जाएगा तो y मैंने कॉमन ले लिया भाई, ब्रैकेट में कितना बचेगा, x माइनस 5, सही लिख रहा हूँ बताते जाना, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन, ये सही है इक्वेशन, सही है ना इक्वेशन। अब मैं ये कह रहा था आपसे, इसने खुद बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है, यानी कि अगर ये y में क्वाड्रेटिक है और ये बोल रहा है रियल है, तो कल आपको याद है y का रूट क्या हमने कहा था, रियल होने पे हमने कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है, कल ये बात हुई थी हमारी आपकी। तो मैंने इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कर दिया भाई, रियल के केस में यही पढ़ा था ना हमने। तो अब बी स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4ac कितना होगा, ए तो 1 ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। कोई माइकल लाला जिसको आसानी से सॉल्व कर सकता है, जैसे माइनस 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, और 4×5=20x में से 10x गया 10x, बहुत फास्ट है लड़का, और 4×3=12 माइनस का 12 प्लस 13 ग्रेटर देन 0। अच्छा माइनस कॉमन ले लूँ तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, जानते हैं ये उल्टा वाली बात, बॉमेटा 10x प्लस 13 लेस देन 0 माइनस 13 ये होगा। अब इसके फैक्टर कर सकता है कोई बच्चा, 13 और 3 ही हो जाएंगे, 13 और 3 यानी कि 3x और x प्लस 1, सही है प्लस 1, अरे गलत थोड़ी कर रहे हैं, ये फैक्टर सही है कि नहीं, 3x माइनस 13 और x प्लस 1 सही है भाई साहब, आप बताओ सही होंगे। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेंगे, माइनस 1 और 13/3, तो ऐसे आएगा, सही है। देख लो कैलकुलेशन में गलती हुई हो तो अलग बात है, मुझे सही है सर। तो आपने देखा कि मुझे इसे नेगेटिव रखना है, तो नेगेटिव रखने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, x का मान माइनस 1 और 13/3 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम मान कितना ले सकते हैं इनका, 13/3 और मिनिमम माइनस 1, यही x का मिनिमम और मैक्सिमम मान आ गया, दिस इज द मैक्सिमम और मिनिमम मान ऑफ x। ऐसा सवाल CGL में भी आ चुका है, एक आपने देखा होगा एक भिन्न आ जाती है कि 1/, मैं बता देता हूँ आपको, हाँ ये इंक्लूड इसलिए होंगे क्योंकि ये इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू लगा हुआ है इसीलिए 13/3, क्योंकि ये रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन भी हो सकता है 0, कल पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक में, और बराबर भी हो सकता है 0। मैं एक सवाल इस पे जो CGL में आया हुआ है वो आपको बताता हूँ, वो थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है, ये अभी कभी नहीं आया है लेकिन ये भी मुश्किल सवालों में आती है इसकी गिनती, ऐसे सवालों का उत्तर मैंने देखा ऐसे 13/3 10/3 3 जरूर लगता है, तो कभी ऐसा सवाल आए और आपसे ना हो और 3 हो तो फिर लगा देते। एक सवाल ऐसा आज तक CGL में आया है, वो क्या सवाल है मैं बताता हूँ, जल्दी से देख लो आप, लिख लिया था, फोटो खींच ली होगी, जैसे ये जो सवाल आ जाते हैं मैं खुद ही कर देता हूँ, आप तो क्या ही करेंगे, मैं आप पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता, बताएं, मैं आपको इतनी भली बात ही समझ गया 7 दिन में
कि मैं खुद ही समझ जाऊंगा कौन सा सवाल आपसे होगा कौन सा नहीं। जैसे ये फ्रैक्शन में एक सवाल आया हुआ, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे बोलता है वो सवाल में कि एक्स रियल है। क्या बोलता है? एक्स रियल है, तो मैं पहले इसको वाई के बराबर लिख लेता हूँ। लिख लिया, ठीक है, मैंने वाई मान लिया। यानी कि अब अगर इसकी मैक्सिमम पूछी है मुझसे, तो मैं वाई की मैक्सिमम निकाल दूं तो बात बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं? वाई की मिनिमम ही इसकी मिनिमम होगी, क्योंकि ये और वाई एक ही है, एक्स और वाई एक हो गए। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5xy प्लस 10y माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब आपको पता है अगर एक्स रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो बी स्क्वायर यहां पे कितना है, मैंने एक्स में क्वाड्रेटिक मानी है। एक्स में ही क्यों मानी है? क्योंकि एक्स के ही बारे में तो बोला हुआ है कि एक्स रियल है, तो जिसके बारे में बोला होगा उसी में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो एक्स अगर रियल है तो बी स्क्वायर कितना होगा यहां पे, 25y² माइनस 4, ac कितना है, 10y माइनस 1 इंटू ए कितना था, वाई ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप ही बताओ कि ये कितना आ जाएगा, 10^40y² और 25y² माइनस 15y² होगा भाई, नहीं सही है? और ये इधर प्लस 4y ग्रेटर देन 0, अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, y कॉमन आ जाए तो 15y माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन भी ले लिया भाई, ले सकते हैं कि नहीं? अब आप बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, लल्ला 0 और 15/4 और ऐसे जाएगा, तो नेगेटिव कब रहेगा, 0 और 15/4 के बीच में, यानी मिनिमम वैल्यू। कोई नहीं, इतना क्यों टेंशन ले रहे, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 4/5 ऐसे निकलेगा अगर ऐसा सवाल आता है तो। समझ गए, इसमें दो चीजें लग रही हैं, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और एक बात इनइक्वालिटी वाली। तो दो चीजें हमने एक साथ पढ़ ली, इनइक्वालिटी और ये, ठीक है? यार बताओ, डरा रहे हो आप, तो वो इस सवाल में हो रहा है। अभी यहां पे ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस, वो मैंने इसीलिए बता दिया, मेरे को तो ये तरीका सिखाना था, वो तो मैं बता ही चुका हूं। अगर यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो फिर यही तरीका लगेगा, दोनों में ही भिन्न हो ऊपर नीचे, समझ रहे हैं? तीन टाइप अभी और रह गए इसमें, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में देर आर 3 टाइप्स लेफ्ट, ऑलरेडी 529 हैज बीन गॉन, मतलब 529 बच चुके हैं और तीन टाइप अभी इसमें रह गए हैं। उसके बाद फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल वाली बात, तभी छुट्टी है आपकी, इसके बाद वाले बैच की भी, इसलिए मैंने छुट्टी कर रखी है, तो थोड़ा बहुत टाइम और भी खींचना पड़ेगा तो खींच लें। वो यही ऐसे ही होगा, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर नीचे भिन्न है, यहाँ पे और कुछ भी होता तो बस इससे एक क्वेश्चन करवा दें। वैसा है आपके पास? अरे यार इनके पास एक क्वेश्चन और है, दिखाना जरा, मैं जल्दी से बता दूं भाई साहब की कौन सा सवाल, बच्चे लेके बैठे हैं क्वेश्चन तो तैयार। ये प्लस कर दें, ये इन्होंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो वही वाली बात है, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है, दे देना कॉपी, y इसको मैंने मान लिया y, तो अब ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में y माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कुछ कुछ, प्लस x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 14 और प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। अब आप समझ जाएंगे यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करना है, ठीक है? अब कर लीजिएगा अपने अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका यही तरीका है, बेस्ट और कोई तरीका नहीं है। अच्छा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप हो नहीं पाएगा आपसे डिफरेंशिएशन भी, इतना लंबा मुश्किल हो जाएगी डिफरेंशिएशन में भी, मतलब बहुत लिटिल चांस ही है कि ऐसा सवाल आएगा, फिर भी अगर आता है तो कर लीजिएगा। मान लेते हैं आपके तो आधा घंटा बचा हुआ है, कुछ है नहीं करने को, 99 सवाल हो चुके हैं, यही बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे आधा घंटे के लिए, फिर इस सवाल पे चले जाएंगे। ऐसा हो जाता है कई बार, 2016 मेंस में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 99 सवाल हो गए थे, एक ही सवाल नहीं हो रहा था एवरेज का, बस आधा घंटा लगा दिया, मैं बच्चों को बता भी रहा था, आजू बाजू वालों को, और जो मेरे आजू में लड़का बैठा था बहुत हीरो बन रहा था, उसने वो सवाल सही किया था, मैंने लेकिन पूछा नहीं उससे, मैंने कहा ऐसे हम क्या पूछें अब किसी से। मैंने जब बाहर निकल के बोला, मतलब कि यार ये सवाल बड़ा परेशान कर रहा है, मैंने इसका तुक्का ही लगा दिया, बोले तो आसान था इसका तो 250 आ रहा है, दिमाग घूम गया यार, क्या हो सकता है।
मेरा दिल तो हुआ कि जाके OMR भराऊं, है तुक्का नहीं सही हुआ ना, काश पूछ लेता वही करा। उसके 190 नंबर है लड़के के। हाँ वो भी अच्छा था पढ़ने में बहुत। OMR नहीं थी, कंप्यूटराइज था, तभी तो नैना नैना लिखा था, समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे तो लास्ट तक भी, जब तक जैसे उस लड़के ने भी बोल दिया, बीच में एक दो बार और भी वो सवाल आया, तब भी मुझे था ये सवाल ही गलत है। सही होगा जब आखिरी में OMR आएगी। जिस दिन OMR आई, मतलब आंसर की आई, तब मैंने उस सवाल को किया, काफी टाइम लगा के और सोचा, तब मुझे पता चला गलत था। बहुत ही आसान सवाल था, जबकि ऐसे थे कि तीन चीजें, इसका इससे ज्यादा है मजदूरी, इसकी इससे ज्यादा है, और एवरेज दिया हुआ था 257 पॉइंट समथिंग, और इसका पूछ रहा था। अब आप बताओ, इसका अगर ये ज्यादा था तो एवरेज से ज्यादा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और मैं 250 लगा के आया था इसका, तो इतनी सी दिमाग नहीं लगी थी, जबकि इसका उत्तर 265 था करेक्ट आंसर। अफसोस रह गया इसका, मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि ये वो सरल सवाल था जिस वक्त 200 नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते थे, लेकिन सब किस्मत का खेल है। एक 100% के लिए तो किस्मत ही चाहिए, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ज्ञान कितना भी हो आपके पास। आप इस बात से एग्री हैं कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हमेशा जीरो के बराबर या बड़ा होगा? एग्री हैं? किसी का भी स्क्वायर है जीरो से बड़ा होगा कि नहीं? अगर स्क्वायर खोल देते हैं तो ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन होगा जीरो से, या ए प्लस बी ग्रेटर देन होगा टू रूट ए बी से, या फिर ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन होगा रूट ए बी से होगा। ए प्लस बी बाई टू क्या होता है? दो संख्याओं का ए एम है और ये दो संख्याओं का जी एम है, तो ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है। कई बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये भी हमें आना चाहिए। दो सवाल बताऊंगा बस अच्छे अच्छे, उन दो सवाल से आप समझ जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, वैसे भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली यही नहीं है कि ये दो ही संख्याओं का है, अगर तीन संख्याओं के लिए भी हो तो ए एम ज़्यादा होगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई तीन ग्रेटर देन होगा, क्यूब रूट आ जाएगा अब तीन के लिए ए बी सी, तो ये भी कोपचे में लिख लेना। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ जल्दी से, लिख लिया ये वाली बात समझ के, इस पे एक सवाल लिखना है आपको, ठीक है। ये पता ही होगा वैसे सबको, ए एम जी एम से बड़ा होता है, इस पे सवाल कैसे आ सकता है आपके पेपर में? एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब बराबर 8, ये प्लस कर दें यहां से, एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब बराबर 8, आपको बताना है कि 4x प्लस 3y का मिनिमम मान कितना होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y। फास्ट, बी फास्ट, ग्रो अप मैन, सेम सब आपको समझ में आ रहा है? सब आपका लेवल है इतना मुझे लग नहीं रहा था, घूरने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? ऐसा आपसे रहो, यहाँ क्लास है, ये कोई घर नहीं है आपका। आप लोग सोच रहे होंगे आप, मैं इनको इतना सम्मान दे रहा हूँ, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब के फुल फॉर्म नहीं बताऊं? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एम से तो आप सब समझते ही हैं। अरे मैं मोटा नहीं हूं क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने कर लिया ये सवाल? यार आप तो बड़े तेज हैं। ये लड़के पे हमें बहुत भरोसा है, ये रोहतक वाले भाई साहब, भाई साहब की हाइट है 5 फुट 12 इंच, कितनी है? 6 फुट। तो ये भी हाइट की बात करेंगे अब, देखो ये, इन्हें देखो, खुद की 4 नौ पूरी नहीं है, पांच कर देते, क्यों कर दे? आपसे हो गया जी ये सवाल, आपसे पूछ रहे 10 कैसे निकाला आपने? कैसे, मैं वही पूछ रहा हूँ। अच्छा कई बच्चों ने यहाँ पे क्या करा, बड़े बच्चे इंटेलिजेंट होते, गिरे एक्स को 1 ले लिया और वाई 2 की घात 3, ऐसे आपने भी करा? अरे वाह, तो भगवान ऐसे हमें क्यों नहीं दिए ये सब ज्ञान, हमने क्या गुनाह किया था? 10 इज द राइट आंसर, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इन्होंने बताया। मैंने कहा इन्होंने भी नहीं कहा, सब पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 2 है ना, तो जितनी पावर है ना उतने में बांट दीजिए इसको, यानी कि मैं 2 पार्ट में बांटना है इसको,
बताऊंगा अभी, खुद पता चल जाएगा क्यों। अगर दो पार्ट में बांट रहा हूँ इसको तो ये 2x 2x हो जाएगा यानी। अच्छा वाई की कितनी है, तो तीन पार्ट में बांट दीजिए इसको, कितनी हो जाएगी वाई वाई वाई। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास पांच संख्या है, आपके पास क्या है पांच संख्या, और आप ये जानते हैं कि पांचों संख्याओं का जोड़ ये बड़ा होगा इनका एम कितना होगा, आप भी जानते हैं 2x (2x) (y) 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 की पावर कितनी 1/5। अरे दो संख्याओं का रूट होता है, तीन संख्याओं का 1/3 क्यूब रूट होता है, 4 का 1/4, 5 का 1/5 होगा या नहीं। अब आप बताइए 2x + 2x कितना हो गया 4x + 3y। बच्चे कहेंगे ये ना आया ये तो, अरे इसी से तो ये लाए थे, कोई वजह तो कि ये से ना आया ये तो, अरे भैया इसी को ब्रेक करके हम ये लेके आए थे, आएगा ही आएगा 5/5। ये कितना होगा 2x (4x²)y³। और अंदर भी आप ये मत सोचना x²y³ नहीं आएगा, अरे इसी को तो तोड़ के लेके आए थे, तो इसका मान कितना है 8। तो मैं ये लिख सकता हूँ 4x + 3y बड़ा होगा 5 से, ये 4 × 8^1/5। तो 8 × 32, 32 × 5 ये कितना आ गया > 10 आ गया, यानी इसका मान 10 से बराबर होगा या बड़ा होगा। तो हमें तो मिनिमम बताना है, तो मिनिमम क्या हो गया 10, क्योंकि सवाल से हमने ये पता लगा लिया कि इसका मान या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 10 से, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। बोलो बोल दो ना जरा, बात सही है कि नहीं। अरे ऐसे अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ फिर वैल्यू रख के करिएगा। हाँ नहीं 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 ऐसे थोड़ी ना कि एक्स, और वो तो यहाँ पे कोइंसिडेंट था कि ऐसा हो गया, कोइंसिडेंट था कि ऐसा हो गया। साड़ी कोशिश सुने दी तो मेरे ना गए अभी मैंने गले दी तो क्या कौन सा अपना काम है यही पुरुष संगीत लिखे x²y³ 6। अब मैं कह रहा हूं अब आप वैल्यू लगाइएगा थोड़ा सा दिमाग लगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऐसा सवाल नहीं कराते अगर आपने ये वैल्यू ना रखी होती तो। 3x + 4y का लिस्ट मान बताना है, 3x + 4y का मिनिमम मान बताना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 4y। बी फास्ट, ग्रो अप मैन। हमारे हिसार वाले भाई साहब नहीं दिख रहे, अच्छा उधर बैठे हैं आज भाई साहब, एक बार इधर देख लेना, अरे जो बालों पे डाई कराते हैं, हाँ यही यार, आप तो भूल गए हमें एक दिन में ही, देख भी नहीं रहे हमारी तरफ। ठीक है आप समझ में आ रही है, ये बातें थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी लेकिन आ रही होंगी, मजा आ रहा है, ठीक है। अरे आप समझ जाएंगे, जिसको भी नहीं समझ आ रहा है, जो लोग नए हैं जिनका छूट गया एलजेब्रा, तो ऐप के थ्रू भी बैकअप मिल सकता है, हमारी ऐप है उसके थ्रू हम आपको ये सारे टॉपिक्स का बैकअप दे सकते हैं। और जो लोग का बेसिक लेवल है, हमने कहा कि आप प्री वाले बैच का भी एक्सेस ले लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक एटलीस्ट क्लियर हो जाए, लेकिन मेंस में थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। कितना आगे 10, इसका भी 10 ही आ रहा है, लेकिन अब वो तो नहीं हो रहा ना कि एक्स और वाई 2 रख दिया था मैंने कहा कि कैसे हो गया इतनी जल्दी सरप्राइज था। दस आ रहा है, ठीक। अब आप समझ गए, एक बार देख लो जल्दी से, मैं बता देता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। मैं कह रहा था एक्स को कितने पार्ट में बांटना है 2 में, और वाई को 3 में। अगर यहाँ पे y² होता और एक्स की क्यूब होता तो बड़ा आसान हो जाता मामला, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ा बदल दिया। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3xy² एक संख्या, दूसरी 3xy² और ये 4y/3, 4y/3। ये मैं खाली आपके लिए लिख के दिखा रहा हूँ, मेरे को पढ़ी नहीं है कोई कि मैं ऐसे लिखूंगा तभी मेरे से होगा सवाल, मैं ये सब आपके लिए लिख रहा हूँ। मुझे तो पता है कि जब मुझे इन सबको जोड़ना ही है तो मैं डायरेक्ट 3x + 4y लिखूंगा, लेकिन कई बच्चे हैं नहीं है लेवल उतना, 5/5 आएगा और > √ के अंदर 3 + 3। अब 9/4 डायरेक्ट लिख दूं या ऐसे करके दिखाऊं, इतना तो समझता हूँ, 9/4 x² ((64/27)
वाई की क्यूब, इतना तो चलेगा ठीक है। तो ये ऊपर कितना आ गया, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 5 इंटू, अच्छा इसकी पावर यहाँ 5 है ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 9/4 से कितनी बार कटेगा, 9 तिया और ये 4 से 16, तो अंदर आ गया 16/3 और इंटू ये कितना होगा 6 की पावर 1/5, तो ये फिर से क्या बन गया 32 ग्रेटर देन 10, यानी इसका मिनिमम मान भी कितना होगा 10। ज्वाला जी आप समझ गए, अरे आप तो बादशाह इन सब सवालों के, किंग जिसको कहते हैं। चलिए ये वाला टाइप का अगर सवाल आएगा तो कर लेंगे, ये AMGM वाला सवाल आपको लगाना आ जाना चाहिए। हाँ जी, कि AMGM कैसे लगाते हैं, AM बड़ा होना चाहिए GM से, ये वाली चीज हम समझ गए। बस दो बातें और बच्चे, दो बातें हो प्लस कर दें, आपको समझ में आ रही है सब बातें ठीक है। सूबेदार नहीं आ रहे क्या, अभी बच्चा हुआ है क्या, उनके गाँव गए अच्छा अरे नहीं एक्चुअली अपने जितने भी मैरिड बंदे पढ़ते ना एक ही बार तभी जाते हैं घर, 5 बच्चे हैं उनके ऑलरेडी, बाप रे सही है, लेकिन 5 बच्चे का अपने एक ही आदमी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कौन क्या करेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ले, एक क्रिकेटर बन जाएगा, एक एक्टर बन जाएगा, एक पढ़ने में ठीक निकल जाएगा, 5 में एक तो निकल ही जाता है ठीक पढ़ने में, 4 ऑप्शन में जब एक करेक्ट हो सकता है तो 5 में एक ठीक क्यों नहीं निकल सकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है पढ़ाई में निकलने की। एक्चुअली मेरे भी टारगेट्स 4 बच्चे का है, कि 4 बच्चे एटलीस्ट होने चाहिए। फालतू बात नहीं, चुपचाप से बोर्ड पे देखो, तुम क्या ज्ञान दे रहे हो, कर लो है? तुम कौन, दादा हो परदादा कौन हो तुम, तुम्हारी मानू मैं, खुद को देखा कभी शीशे में, कितने बूढ़े लगते हो, हाँ 22 जस्ट, मैं जूता मार दूंगा फेंक के और खटा के जूता, समझ रहे हो, फालतू बात जरा भी की तो 35 का, तब तो अपने पापा को कहते ना भैया बोला करें मुझे फोन पे, 35 का दिल पे लगी है बात, फालतू बात नहीं है। एक्स प्लस वाई अगर कांस्टेंट है, एक्स प्लस वाई अगर कांस्टेंट है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम, तो पहले तो यही समझ लीजिए कि एक्स वाई के केस में मैक्सिमम क्यों पूछा जाएगा ठीक है। ये जो अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ ये इक्वल वाला, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जब स्क्वायर में आपने देखा था इस बार की मेंस में एक सवाल आया था स्क्वायर के केस में कि डीपी प्लस बीपी का मैक्सिमम मान या मिनिमम मान बताओ, ऐसा एक सवाल देखा था, वहां पे भी ये बात पूछूंगा, देखूंगा आप कितने लोगों को याद है, ये कॉन्स्टेंट है जैसे के, तो एक्स इंटू के माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, इसकी क्या पूछी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब एक्स बराबर वाई होता है, चाहे तो आप डिफरेंशिएशन से देख लो, अगर आप और भी तरीके से जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, या तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स बराबर के वाई टू आ जाएगा, तो अगर एक्स प्लस वाई के है आपने डिफरेंशिएशन किया तो के माइनस टू एक्स बराबर जीरो, एक्स कितना आ गया के वाई टू, अगर एक्स के वाई टू है तो वाई भी कितना होगा के वाई टू, यही होगा। तो अब मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर आप दूसरे तरीके से भी देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कि एक्स प्लस वाई बटे 4
माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटे चार बराबर एक्स वाई। देखना सही लिखा है, एक्स वाई को ही लिख सकता हूँ या नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है, ऊपर फोर एक्स वाई बचेगा, कट के एक्स वाई आ जाएगा। अब आप ही बताओ कि इसका मैक्सिमम मान कब होगा जब इसमें से कुछ ना घटे। कुछ ना घटने का मतलब कि जीरो हो, और ये जीरो कब होगा जब एक्स बराबर वाई। तो यही बात मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब एक्स बराबर वाई होगा, ये बात आपने याद रखनी है। एक छोटा सा सवाल इस पे करेंगे, लिख ले इतना, ठीक है। मैक्सिमम मान कितना होगा, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री। सिक्सटी फोर, साठ आ रहा है किसी का? कितने लोगों को आ रहा है साठ? जितनों का साठ आ रहा है सबका गलत है। अभी एक बात समझाई कि एक्स वाई जेड तो बेटा मैक्सिमम तभी होगा जब ये तीनों बराबर होंगे, और ये तीनों बराबर होंगे तो इसका जो भी उत्तर आएगा वो किसी ना किसी संख्या की क्यूब आएगी। तुमने क्या किया, तुमने एक्स वाई जेड को बराबर कर दिया जब 512। भुला ना सकोगे, कैसे कैसे उत्तर। देखिए अगर एक्स वाई जेड इसका मैक्सिमम निकालना है तो ये चीज बराबर होनी चाहिए, ये चीज बराबर होनी चाहिए, यानी कि x माइनस वन और y माइनस टू जेड माइनस थ्री बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या करना था, इसको x माइनस वन y माइनस टू जेड माइनस तीन बना लेते तो छह घट जाता है, बारह। अब आप बताओ कि x माइनस वन y माइनस टू जेड माइनस तीन बारह आ गया, यानी एक कितना है चार, तो ये चार गुणा चार गुणा चार चौंसठ आ गया। और आप साठ ही बता रहे थे, कौन आ गया, चौंसठ वाला बंदा आ गया, क्योंकि चौंसठ बड़ा है साठ से। ए, पनीर पीला कैसे हो रहा है, सब्जी में से धुल निकाल के धुला है क्या, कहीं मिलता नहीं पनीर तो हमारी टीम वाले क्या कहते हैं, मटर पनीर पैक करा लाते हैं फिर धुल देते हैं। बता यहाँ हम कितना डाइटिंग पे, हमें पता है कि फैट नहीं आना चाहिए। ये समझ गए चौंसठ वाली बात, कंफर्म प्लस कर दें। गलती कहां कर रहे थे, साठ वालों को ये पता लग गया कि बराबर ये होना चाहिए उन्हें। ऐसे ही आप लिख लेंगे कि अगर x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई पॉजिटिव भी है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ नहीं, एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई तभी होगी जब x बराबर y। तो दोनों ही केसेस में क्या है, x बराबर y वाली बात है। एक छोटा सा सवाल का मिनिमम मान बताओ यदि बी फास्ट बी मैच्योर। कितना आ रहा है, वाह वाओ है, सही है। आपने अलग से आंखें लगवाई हैं, अलग से क्यों है आपकी, सबके तो ऐसे नहीं होते, ऐसी हैं शुरू से। वो दिन लगा तो पत्ती से चिपक जाती है आंख की, उस पर वो नहीं चुप गई। बिजनौर वाले भाई साहब मुझे बताओ, जैसे अब इसमें क्या होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्यारह ग्यारह। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, इसमें इसे बराबर कर रहे हो या उसे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप x माइनस दो भी यहां लिख दोगे, y प्लस तीन और z माइनस चार, तो भी वो संख्या है,
प्लस में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले वाले में क्या, जब इसकी पूछता है तो हमें ये बराबर करना पड़ता है। तो अब आप बताओ, अगर x माइनस दो 11 के बराबर है तो x कितना आ गया 13, और y 8, और z 15 और 8 23 और 13 36, इसका मिनिमम मान आ गया। तो ऐसा कोई सवाल भी आपके जीवन में भटकेगा तो कर लेंगे। गाय, एक छोटा सा सवाल, एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, लिख लिया। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, 1/x-1, 1/y-1, 1/z-1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना था, 1। अब आपको बताइए तीनों क्या होंगे बराबर। हाँ, 1/3, 1/3, 1/3, ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 3-1 कितना आ जाएगा, 8। ये उत्तर। क्या कर लिया था आपने अब? अरे आप किंग हो मैथ्स के, अरे हो जाओ आप, टेंशन मत लो। आप लिखें पॉलिनोमियल, हेडिंग लगाएं फटाफट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू द एंडेड। 5:20 का टारगेट लिया था हमने, 6:00, 40 मिनट लेट, लेकिन इस ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। मैक्सिमम मिनिमम पे आएगा तो टिक कर देंगे आप इन्हीं में से, ठीक है। कैट वाला भी पेपर बनाए चाहे कुत्ते वाला, कोई भी बनाए, कैट डॉग कुछ भी हो सकता है, तो भी यही सवाल आएंगे, ठीक है। SSC की 2017 के पेपर ने कितने सारे कैट टीचर को SSC का टीचर बना दिया, उनको भी चस्का लग गया, मजा आने लगा, बन गए बेचारे, टीचर्स का भी कैरियर बना दिया। पॉलिनोमियल जानते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पॉलिनोमियल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि दो वेरिएबल हैं। अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात माइनस दो होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है। मैं कहूं एक्स प्लस रूट एक्स पॉलिनोमियल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पावर ही ये डिसाइड करती है कि कितनी डिग्री होगी, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, कभी डिग्री स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी जा सकती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे हमने लिखा कि एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 हो। अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो बात आ गई पॉलिनोमियल की। अगर यहाँ से कभी सवाल आया तो इतना ही आएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। बात आती है एक्सप्रेशन की, डिग्री की, तो आपको एक छोटी सी हेडिंग लिखनी है कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। इसमें होमोजीनियस कोई जरूरी नहीं है, आ सकता है होमोजीनियस पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होती है। होमोजीनियस का मतलब क्या है,
समघाती, यहाँ पे घात समान हो, जैसे यहाँ पे एक्स की क्यूब थी फिर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कैसे आएगा? अगर सिंगल वेरिएबल है तो ऐसा थोड़ी लिखा रहेगा कि एक्स की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब, फिर तो जोड़ के लिख देगा 8x की क्यूब, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे होमोजीनियस जैसी कोई टर्म नहीं है। तो हम बात करें डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, समघातीय व्यंजक की डिग्री, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होती है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। पहली टर्म की डिग्री कितनी है? दो, दूसरी की भी कितनी है? दो, और तीसरी की भी दो है, ए की एक और बी की एक। गुणा में क्या होती है? पावर ऐड हो जाती है तब डिग्री बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर बी की क्यूब की डिग्री क्या होगी तो जवाब क्या होगा? 5। अगर मैं पूछूं कि बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर की डिग्री कितनी होगी? 1। तो भाग में डिग्री घट जाती है, गुणा में डिग्री जुड़ जाती है, और प्लस माइनस से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए स्क्वायर की डिग्री 2 है, अब अगर मैं इसमें बी स्क्वायर भी जोड़ दूंगा तो भी डिग्री 2 रहेगी, और अगर मैं इसमें से ए भी घटा देता हूँ तो भी डिग्री 2 ही रहेगी। घटाने और जोड़ने से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री बता सकते हैं मुझे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि बी माइनस सी की क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डिग्री कितनी होगी? 1। तो आप समझ गए कि ऊपर डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि गुणा और भाग से फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी नहीं पड़ेगा। नीचे कितनी है? 2, और घटने के बाद कितनी रह जाएगी? 1। 3 में से 2 घट जाएगी तो कितनी रह जाएगी? 1। तो डिग्री के नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, इतना लिखने के बाद। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको डिग्री नहीं आती? तो समझ लीजिए कि उसकी बीटेक की डिग्री भी नहीं आएगी अगर ये डिग्री नहीं आई तो। आप बीटेक हैं जी? कितने साल हो गए बीटेक के हुए? 14 में किया था। बताओ बेटा, बड़ा स्ट्रगल है। कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैंने तो उससे ही पहले किया था। कुछ नहीं होता, जो होना होगा होता रहेगा। बल्कि सबको बता भी मत करा करो कि मैं बीटेक हूँ। ऐसे बताओ कि मैंने तो बीए ऑनर्स किया था हिंदी से, और क्यों बताना है किसी को? लोग ना ऐसे समझते हैं एक आध का, जैसे कुछ लोगों के तुक्के से एग्जाम निकल जाते हैं, पहले साल में निकल गया, दूसरे में कुछ कर लिया। एक आध बंदा तो भाई ऐसा होता ही है। लोग ना फिर उसी को उड़ के, अरे उसने देखो कितनी जगह, वो भी हीरो बनेगा खामा खा। हमें ही पता है कि तुक्के से ही आदमी पहुँचता है अच्छी जगह, नहीं तो हर जगह पहुँचने के लिए मेहनत तो लगती है ही। हलवा नहीं है कोई भी चीज़, और बहुत पढ़ने से ही फर्क नहीं पड़ता। चिल मार के जितना मन करे उतना पढ़ो, मत पढ़ो उतने ही नंबर आते हैं, कुछ खास अंतर नहीं आता। जब बहुत पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। खुश रहना मेन बात है, कॉन्फिडेंस। जैसे पेपर में बहुत बच्चे आते हुए गलत कराते हैं टेंशन में, तो टेंशन में नहीं रहना, खुश रहो, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह है, ठीक है? तो दुखी रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे आप मेरी उम्र के होके दुखी घूमते। अरे क्यों भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें? बैलेंस हो गया ना? जैसे एक बात लिखनी थी कि डिग्री ऑफ एनी होमोजीनियस, ऐसे लिख लो, इन होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्वेश्चन, डिग्री ऑफ क्वेश्चन will be equal to degree of answer। बहुत से सवालों में आप देखते ही पता लगा लेंगे कि इसकी डिग्री सेम है, मतलब ये उत्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर सवाल में ऐसा हो जाएगा, लेकिन बहुत से सवालों में ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ डिग्री देख के ही आंसर बता दें। जैसे एक सवाल पेपर में आया, ये मिटा दूं, बाकी आपका जो नोट्स आपको मिला है ना उसमें ही बहुत सारे सवाल होंगे। x प्लस वाई बराबर ए, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। तो ऑप्शन है a की क्यूब माइनस थ्री बी स्क्वायर, ए की क्यूब प्लस थ्री बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर,
ए की क्यूब माइनस फोर बी स्क्वायर ए फोर्थ। अब आप समझ के देखिए कितने कितने इंटेलिजेंट हैं आप। मैं भी नहीं सोच सकता था इतना जितना आपने सोचा है। जैसे आप समझ गए कि इस सवाल की डिग्री तीन है हर जगह, यानी इसका उत्तर भी तीन डिग्री वाला होगा। तीन डिग्री वाला, पहले वाले में तीन और दो है, होमोजीनियस नहीं है, नहीं होगा। इसमें भी तीन दो, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो ये उत्तर हो जाएगा। आप सबके पास सीट है जो आप लाए हैं, खुद देख लेना आप जब डिग्री के सवाल आएंगे। मैं लिखा देता हूँ पॉइंट, दिखाना एक बार जो आपको घर से करना है, सिर्फ देखते ही आपको उत्तर पता लग जाएगा। कल वाली जैसे आप अगर ध्यान रखें तो 137 देखें, 137 64 में जो पहले सीट मिली थी उसमें 137 सवाल देखें, 137 देखते ही उत्तर बता सकते हैं आप। बताइए जी जल्दी, एक आध सवाल तो करिए कम से कम। 137 सवाल की डिग्री कितनी है? ऊपर चार है टोटल, नीचे कितनी है? दो। बची कितनी? दो। तो दो वाला कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिग्री से आप सवाल कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा जो जो भी सवाल हो रहे हैं डिग्री से। कई बार क्या ना पार्शियल यूज भी आता है डिग्री का। 143 देख लीजिए, 143 में डिग्री कितनी है? एक। एक है ना, तो पहला वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री आप देख सकते हैं। कई बार क्या होगा ना, जैसे आपने दो ऑप्शन निकाले और दो ऑप्शन सेम आ गए वैल्यू पुटिंग पे, फिर आपने देखा कि एक में डिग्री तीन है, एक में दो और क्वेश्चन में भी तीन थी, तो तीन वाला उत्तर हो जाएगा। तो कई बार पार्शियल यूज भी आता है डिग्री का। पार्शियल यूज पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, मिटा दूँ इसको, आज तो लग रहा है 30 पेज भर जाएंगे। वाओ, हाँ हाँ वो आप देख लेंगे, जिसमें डिग्री ऑप्शन में भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में सेम डिग्री है उत्तर आ गया, ऐसे थोड़ी होगा, हलवा थोड़ी है। अगर डिग्री से सारे सवाल हो जाते तो मैं 10 मिनट में तो एलजेब्रा खत्म कर देता, फिर इतना सब क्यों पढ़ाता आपको। कमाल कर रहे हैं। जैसे एक सवाल ये है, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, ये सवाल मान लेते हैं, ठीक है। आपने देखा इसके ऑप्शन है 8x + y + z, 12xyz, 24xyz, खाली 24। अब जैसे बच्चा अगर मान लेते हैं एक 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 पुट करता है, उसने एक्स वाई जेड एक 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 पुट किया कोई बच्चा, तो उसका उत्तर आ गया 24 आ गया। अब वो बच्चा परेशान है कि तीन ऑप्शन में 24 आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कैसे करें? तो मैं डिग्री से तो देख के ही बता सकता था कि इस सवाल का उत्तर ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि तीन डिग्री होंगी, या तो बी होगा या सी। अब सी इसलिए उत्तर हो जाएगा क्योंकि 24 इसी में आ रहा है, बीच वाले में तो 12 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें लगाई, वैल्यू भी रखी और डिग्री भी देखी, ताकि दोबारा वैल्यू हमें ना रखनी पड़े। कई सारी चीजें होती थी कि कई बार आपको क्या करना होता है कि आप एक वेरिएबल को जीरो कर दीजिए। कई बार ऐसे सवाल भी फंसेंगे आपके जीवन में जहां आपको सिंगल एक वेरिएबल को जीरो कर देना है। मैं दिखाता हूं एक दो सवाल ऐसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। किसी के पास प्ले विद एडवांस मैथ्स वाली बुक है? एनी गाय हैव? हाँ देना एक बार। तुमने पढ़ ली पूरी है? अब तो तुम हाँ करने से डर रही हो हर बात पे कि कुछ पूछ ना ले, इतना क्या डरने की जरूरत है। जैसे ये सवाल भी डिग्री से किया जा सकता है, ये मिटा दूं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताएंगे, x बटे a बराबर y बटे b बराबर z बटे c, तब आपसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, बस कुछ नहीं है, ऑप्शन है पहला ए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बटे 2a² सी ऑप्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डी 3।
जल्दी से वो मैं एक ऑप्शन जीरो करने वाली जो बात बता रहा था, जल्दी से वो आप देख लो, फिर हम अच्छा। वो जो सीपीयू में 6x6 होता है तो उसमें ये चश्मे वाला बंदा नहीं कर सकता अप्लाई? 6x6 का मतलब आई साइड से थोड़ी होता है, आई साइड से होता है। तो अब ऐसे तो ये इनका चश्मा लगा हुआ है तो आप कैसे भर रहे हो फिर सीपीयू? हैं, लेजर करा लोगे? मतलब चश्मे वाला बंदा भर ही नहीं सकता सीपीयू में, मतलब उसमें चश्मा नहीं मांगते कहने का मतलब है? अच्छा, वो बर्ड पढ़वाएगा वहां से। ओहो यार, मैंने एक बच्चे को गलत बता दिया, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा पावर तुम्हारी कितनी भी हो तब भी कर सकते। अच्छा, जैसे किसी का 0.25 और 0.5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अरे यार क्यों मजाक कह रहे, एक आंख से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक आंख से क्या क्या क्वालिफाई हो जाता, आप क्या पता। नजरों का ही तो सारा खेल है यार। ये तो भर गया आज, वाओ वाओ। ए की घात 4 b² - c² प्लस बी की घात 4 c² - a² प्लस सी की घात 4 a² - b² ऑप्शन है 3a² b² c² a² - b² b² - c² c² - a² ऑप्शन है -a² - b² b² - c² c² - a² उसके बाद a² + b² b² + c² c² + a². अब मैं इस सवाल की कह रहा था, जैसे अब आप डिग्री से नहीं कर सकते ना, ऊपर डिग्री कितनी है 6 और यहाँ पे सारे ऑप्शन में ही 6 है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हमें इतनी सब बातें पता है, हम एक वेरिएबल जीरो कर देते हैं, सिर्फ सी को जीरो कर दिया मैंने। आप देखो, अगर सी को जीरो करूंगा ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये ठीक है। अब ये जीरो आया क्या ऊपर वाला? नहीं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ऊपर कितना आया, ए की घात 4 b² - a² b की घात 4। अगर आप चाहते हैं ये a² - b² बचे, तो आपने a² b² कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया a² - b². अब आप ही बताओ कि नीचे वाले ऑप्शन से कभी आएगा सी जीरो करने पे, क्योंकि तो माइनस का, या तो ये उत्तर होगा या ये। अगर हमने सी को जीरो किया, सी को जीरो, तो ये आ गया माइनस का a² b² और ये, जबकि उधर तो प्लस का आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपने जब यहाँ पे c² 0 किया, तो ये माइनस का a² इसके साथ प्लस का बन जाएगा, ये उत्तर आ गया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको डिग्री भी ना दिखे और वैल्यू पुट करने में भी बहुत लेंथी लगे, तो एक वेरिएबल को जीरो करके देख लेना। तो सारी चीजें जब दिमाग में रहती हैं तो सवाल फिर तब होता है, ठीक है जी। अब आप जल्दी से हेडिंग लगाओ, फैक्टर थ्योरम। नानी तो याद आपको अब आनी है, अभी तक तो बहुत स्मूथ चल रहा था सर। इतना मैं वीक ले लेता हूँ प्री में पढ़ाने के लिए, आज की क्लास के जितना पढ़ाने के लिए प्री में मेरा टारगेट होता है कि 10 पेज मैक्सिमम, 10 होता मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं। क्लास उठ के भग जाएगी इतनी देर में, बचेगा नहीं एक सिंगल बच्चा भी अगर मैंने ये स्पीड पकड़ ली तो। आप तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं सकते, मजबूरी। तो आपको भी बहुत दिक्कत हो रही है समझने में इतना, लेकिन आप बोल नहीं सकते। फिर तो मैं बोल दूंगा 2 महीने हैं, कैसे करोगे, इतनी मुश्किल है, तो मैं होना नहीं है सेलेक्ट, ये वो। आप चाह कर भी नहीं बोल सकते। आप सुबह से सो के आया करो आराम से, बिल्कुल एकदम फ्रेश, तभी जगो क्लास के टाइम पे। बल्कि आप अपने पलकों में धागा बांध के यहाँ मेरे पोडियम पर रख जाओ, जगने की भी जरूरत नहीं आपको। मैं जैसे क्लास में आऊंगा धागा खींच दूंगा। अगर आपका पलक मजबूत नहीं हुआ तो बाल उखड़ जाएगा, नहीं तो आप आई जाओगे जग के क्लास। बड़ी निराश तो ये नहीं, नहीं है फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम, आसान है इन सब पे सवाल। अभी एक सीट आपको 200 सवालों की और मिलेगी, फिर आप कहीं मत देखना एलजेब्रा, फिर उतना पर्याप्त हो जाएगा। अभी दो सीट मिलके एक और मिल जाएगी कल, उतना देखिए, फिर हम इसे सैटरडे संडे में से दोनों में से एक दिन डिस्कस कर लेंगे लंबी डाउट क्लास लगा के, ठीक है? पर्सनली बात भी हो जाएगी उस दिन आपसे। टूट जाते हैं वादे, ओहो भाई इसके दिल को थोड़ा सहला देना, डरेगा, वादा वादा टूटा पड़ा है। वादा बेसिकली क्या है कि इमोशंस में कही गई बड़ी बड़ी बातें जिनको आप सच समझ लेते हैं। हाँ, आपको देखिए कई बार आपको कितनी तेज गुस्सा आती है किसी दोस्त पे, घर वालों पे, बस सब कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि फिर वो चीज नॉर्मल हो जाती है, फिर आपको नहीं आती, फिर आपको अच्छी चीजें याद आने लगती हैं। तो ऐसे ही वादा भी है, वो हम और केसेस में खेले, एक केसेस में हमने उसको वादा नाम दे दिया और कहते हैं टूट गया, नहीं, वो इमोशंस उत्साह में कही गई बातें, इग्नोर इग्नोर। आप जब लाइफ के उस मोड पे आ जाएंगे मिलिट्री, तो आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल है, आप उसको वादा लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पता है जिस वक्त आप सुन भी रहे होंगे ना वो बातें, आपको लगेगा ये कुछ दिन की है बस, समझ गए। हम घर किसी के भी साथ, किसी किसी हमें दोस्त पे इतनी गुस्सा आ जाती है अब इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दो दिन बाद फिर लगता है मतलब है, चलो कोई नहीं बात कर लो। हमारे खुद की बातें जो हम अपने से करते हैं टूट जाते हैं, तो दूसरे से तो क्या ही है। ऐसे मत कहिए, आप किसी को इल्जाम मत दीजिए, वो तो अभी इस टाइम मेरे पास टाइम बहुत कम है मेंस में, नहीं तो मैं गणित से ज्यादा तो ऐसे ज्ञान के लिए जाना जाता हूँ दोस्त। x माइनस टू x माइनस तीन, ठीक है? अब आप देखेंगे कि अगर हम इसमें x बराबर दो रख दें तो जीरो हो जाएगा, x बराबर तीन रख दें तो जीरो, बाकी किसी और पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं। तो कल को कोई मुझे ये कहता है कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ, इस पे भी एक सवाल कन्फर्म है आ ही रहा है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर कोई ये कहता है इसका मतलब अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं तो एक्स ए आ जाएगा, और ए इसमें पुट करूंगा तो ये भी जीरो आना चाहिए, एफ ए बराबर आना ही चाहिए। जब मैंने किसी के फैक्टर को ही जीरो के बराबर रख दिया तो वो एक्सप्रेशन तो जीरो होना ही है। अगर मुझसे कोई पूछे कि x बराबर दो इसका फैक्टर है x माइनस दो या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा, पहले उस फैक्टर को जीरो के बराबर रखूंगा, वहां से x का मान दो निकालूंगा, दो यहां रखूंगा, दो दूनी चार और दस, जीरो आ गया, यानी कि ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो कई बार आपसे बात पूछी जाती है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, ठीक है? एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, ये लिख लिया आपने, ये समझ के ये याद तुरंत की तुरंत हो जाना चाहिए कि भाई क्यों जीरो हो रहा है। x माइनस ए अगर हम जीरो रख देंगे, अगर हम इसके फैक्टर को जीरो कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन तो जीरो होना ही है। जैसे एक छोटा सा सवाल कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। बारह बारह, देखिए एक बार क्या करना पड़ेगा हमें, इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन के कितने फैक्टर हैं, दो, दो फैक्टर का मतलब एक एक्स प्लस वन और एक एक्स माइनस वन। इसको जीरो के बराबर रखेंगे x बराबर माइनस वन, इसको जीरो के बराबर रखेंगे x बराबर वन। मैंने माइनस वन रखा a प्लस बी प्लस सात प्लस पांच बराबर जीरो, मैंने वन रखा a प्लस बी माइनस सात प्लस पांच बराबर जीरो। अब आप इन दोनों को जोड़ दो तो टू बी कितना आ जाएगा, माइनस दस, यानी b आ गया माइनस पांच। अगर b माइनस पांच आ रहा है इससे कट रहा है तो a कितना आ जाएगा, सात। कैलकुलेशन भी फास्ट आनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद लिखें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ये भी फैक्टर थ्योरम से ही बनी है रिमाइंडर थ्योरम भी। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस आठ है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स माइनस तीन एक्स माइनस दो और प्लस दो, मैंने छह करके फैक्टर कर दिया उसके, कर सकता हूं। अब कोई मुझसे कहता है यार इसको एक्स माइनस दो से भाग दो तो कितना बचेगा, दो। एक्स माइनस तीन से भाग दो कितना बचेगा, दो। अगर मैं एक्स बराबर दो रख दूं तो कितना बचेगा, दो। तीन रख दूं तो भी कितना बचेगा, दो। यानी कि या तो हम इस तरीके से वैल्यू रख दें या भाग करें, बात एक ही है। भाग करने में जरूरी है कि ये पता होना चाहिए और वैल्यू रखने में जरूरी नहीं है कि ये पता हो, हम इसमें भी रख सकते हैं,
रख सकते हैं कि नहीं। जैसे आप 17 को जब 5 से भाग करते हो तो आपको पता नहीं है, जो डिवाइजर होता है ना उसको हम जीरो करते हैं, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, तब जाके 2 बचता है और बोल देते हैं रिमाइंडर है। तो जब भी कभी भाग लगवाया जाए, यानी कि आपको कहा जाए कि एफ एक्स में भाग लगाओ एक्स माइनस ए का, तो आप क्या करते हैं इस एक्स माइनस को जीरो करके पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं ए, और वो इसमें रख देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है एफ ऑफ ए। यही एफ ऑफ ए जीरो हो रहा था फैक्टर के केस में, क्योंकि रिमाइंडर जीरो बच रहा था, अब यहाँ पे ये रिमाइंडर हो गया एफ ऑफ ए। ठीक है, तो भाग लगाने का अगर कभी भी कोई सवाल आता है, एक छोटा सा सवाल कि एक्स की घात 40 प्लस 3 बटे एक्स की घात 8 प्लस 1 से भाग लगाया है बेटा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, कितना आ रहा है, आप समझ के देखिए। रिमाइंडर अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपने क्या किया x की घात 8 प्लस 1 को जीरो कर दिया, यानी कि x की घात 8 कितना आ गया माइनस 1, माइनस 1 यहाँ रखेंगे रिमाइंडर में तो ये आएगा। पहले लिखना पड़ेगा x की घात 8 की घात 5 प्लस 3, तो ये माइनस 1 की घात 5 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ से ये मत लिख लेना कि x की घात 8 बराबर माइनस 1 है तो x निकालने चलो, x नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम पे कोई सवाल आता है फैक्टर पे, छोटे छोटे से सवाल, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, बहुत छोटे से सवाल ही आए। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 4 बच रहा है, b का मान बताओ, तो रिमाइंडर निकालेंगे, पुट करेंगे, b का मान आ जाएगा। बहुत, लेकिन हम तो फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल देंगे, और जो नहीं आएगा उसको सैटरडे संडे डिस्कस करेंगे। 2 सवाल लास्ट के आज की क्लास के, डायरी देना एक बार। आपने देखा होगा एक ऐसा सवाल आता है कि x की घात 4, मिटा दें, तो मिटाना बहुत पड़ रहा है आज, x की घात 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इच ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, a 5 बी 6 ए 6 बी 7 ए 7 बी 6 ए 7 बी 8। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था जब भी कभी ऐसा सवाल मिले, आज तक 2 सवाल पेपर में बस ऐसे आए, तो हम क्या करते हैं x या तो हमें 1 रखना है या -1। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं x 1 रखता हूँ तो a प्लस बी बनेगा, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी 2 ऑप्शन में 13 हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है a प्लस बी लेके, समझ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, x को -1 रखा, देखना इससे क्या फायदा होगा। -1 रखूंगा तो 1 माइनस 2 प्लस ए माइनस बी प्लस 9, तो यहाँ से ए माइनस बी 9 और 1 10 में से 2 गए 8 आ गया। अब आप ही बताओ 8 के नज़दीक कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 9। 9 के लिए इसको क्या होना चाहिए 1, a माइनस बी 1 कहाँ आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में यही उत्तर है। अच्छा मेरी बात और सुनो, एक ये तो चलो ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है, इनकेस अगर यहाँ 6 और 5 होता फिर तो फंस जाते हम, यहाँ तो फंस जाते फिर, तो फिर मुझे a प्लस बी, फिर मुझे x 1 भी रखना पड़ता। अगर मैं x 1 रखूँगा तो 1 प्लस 2 प्लस 9 ये आ गया 12 प्लस a प्लस बी। अब आप ही बताओ 12 से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो 16 होगी तो a प्लस बी 4, नहीं तो a प्लस बी 13, और 13 वो फिर एक ही ऑप्शन में आता। तो इस सवाल में तो एक ही बार करने से आंसर आ गया कि x को माइनस 1 रखा, नहीं तो आप दो बातें दिमाग में रख लो, या तो माइनस 1 या प्लस 1, इन दोनों में से सवाल हो जाएगा अगर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल आता है। एक सवाल ऐसा और आया हुआ है पेपर में, वो भी मैं लिख देता हूँ, और आप उम्मीद भी ये करता हूँ बहुत जल्दी उत्तर बता देंगे, क्यों, क्योंकि आप गणित के राजा हैं, ये मैं बोलूं तो ठीक लगता है, अपने मुंह से विजार्ड किंग ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, समझ गए, हाँ हम दें किसी को भी बोले तो अच्छा लगता है, ठीक है मैं बोलूंगा विजार्ड सा अच्छा लगेगा, लेकिन आप खुद से अपने आप को राष्ट्रपति कहने लगे मतलब नहीं है कोई। ये मिटा दूं, उपाधियां दी जाती हैं खुद से नहीं ली जाते। x की घात 4 प्लस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 25 इच ए पी एस, पी एस का मतलब क्या होगा,
देखो पर्सनल सेक्रेटरी समझ रहा है लड़का। ए प्लस बी क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 20, 32, 34, 42। तो आपने क्या किया, देखिए x बराबर 1 कर दिया। आप अगर मैं x को किया, मुझे a प्लस बी चाहिए था, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस कितना रहा, 30। अब 30 के लिए a प्लस बी अगर 34 हो जाए तो 64 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, नहीं तो 34 आंसर है। ठीक है, अब जितने भी सवाल या जो भी चीज़ें बच गई हैं वो हम कल आपको सीट में डाल के दे देंगे, उतना आप कवर कर लीजिए, उसके अलावा फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। इट्स मोर देन सफिशियंट द एलजेब्रा। ठीक है, कुछ और भी नए सवाल पुराने सवाल सब कुछ मैं डाल के कल आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी।